अरे बाप रे, बुध, आज बुधवार है क्या? सुनिए, वो कल का पेपर है जी। ओ, तो आज गुरुवार है जी। मालिक, क्या हुआ शाम? रावत की दुकान से जो मटन लिया था, 4 हफ्ते में 2500 में बिका है। 2500 तो देना ही चाहिए था, इसीलिए तो मैं आया हूँ। उस छत से निकाल ले। हा? घर गिर जाएगा जी। उत्तर दिशा का दरवाजा निकाल दो। वो तो पिछले महीने ही निकाल दिया। दक्षिण दिशा का है मालिक। कितना मिलेगा? 15,000 तक मिल सकता है मालिक। रावत को 2500 दे दे। हाँ। और तूने मुंह क्यों लटका रखा है? इतना दुखी मत हो, खर्चे के लिए 500 रख ले। बाकी का 12,000 इस महीने के लिए काफी है ना? ठीक है, चल निकल। ठीक है मालिक। माँ कहाँ गई है? रश्मि अपने बहन के घर की बात करने गई है जी। तो मेरे साथ कौन बात करेगा? अरे क्या हुआ? मेरे पापा कह रहे हैं वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, इसलिए हम इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अरे कल तो ये मुझसे पान खाने के लिए पैसे लेकर गया था। माँ वहाँ कैसी आवाज है? देखो ना कृपा शंकर को क्या हो गया। तो फिर बीमार है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। यहाँ लेकर आने बोलो, विभूति लगाता हूँ, ठीक हो जाएगा। इतना अच्छा इंसान था, क्या हो गया इसे? आई आई आई, अरे दक्षिण दिशा का दरवाजा भी चला गया। देखना बेटा, कल ही मुझसे पान खाने के लिए पैसे लेकर गया और रात भर में ऐसा। अरे रो मत, मेरे चौखट पे किसी को रोना नहीं चाहिए। रो मत। अरे रो मत, विभूति लगा रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या है माँ? तेरी मौसी ने घी भेजा ऐसा है क्या? हाँ। शाम को केसरी बना दो, जाकर विभूति लेके आओ। विभूति तो अरे आधा को नहीं था, खत्म कैसे हो गया? ठीक है, अभी तो बुला लिया है, पापा के फोटो के पास विभूति है, लेके आइए। ये तो मर गए। ए, क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रहे हो जैसे मर गया हो? मेरे पापा मुझे जान के चले गए। 9:30 से 10:30 तक शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त में मरा है, इसको अच्छी तरह से नहला के दफना दो, ले जाओ। हाँ, चलो। कृपा शंकर एक अच्छी आत्मा है, भगवान के चरणों में आराम करने दो। माँ चलो अंदर। मेरा पोता कहाँ है बेटा? हाँ, आपका पोता और मेरा भाई कैलाश एक साथ बाहर गए हुए हैं। कहाँ गए ये लोग? सभी लोगों को मेरा प्रणाम। श्रीमान मणियार का 35वां स्मृति दिवस का फंक्शन हमारे गांव में मनाने के लिए अनुमति देने वाले कमलेश मणियार और उनके सगे मामा कैलाश का हम सब स्वागत करते हैं। सब लोग तालियां बजाइए। उन्होंने हमारे गांव के लिए मंदिर बनवाए, कुएं बनवाए, स्कूल बनवाए, रोड बनवाए, ये सब कोई भूल सकता है क्या? बताइए कोई भूल सकता है क्या? जब मैंने कहा कि वेणु गोपाल की छोटी बेटी का फंक्शन करते हैं तो कमलेश जी ने कहा कि हाँ कर देते हैं। मैंने कहा कि आपकी बेटी को नचवाएंगे तो कमलेश जी ने कहा हाँ बिल्कुल नचवाएंगे। सुना भांजे, इसके लिए 5 लाख रुपए खर्च होगा, मैंने कहा था। 5 लाख रुपए? हम उन्हें तहे दिल से। मुझे बताया भी नहीं तूने कब बोला। मुझे भी नहीं पता मामा, मैंने कब बोला? नशे में था क्या? प्रोग्राम अच्छी तरह से खत्म हो गया है, जिसे भी फोटो खिंचवानी है 5-5 करके आ जाए। साहब फोटो बाद में खिंचवा लेंगे, पहले पैसे तो दिलवा दीजिए। पैसा चाहिए ना कमलेश मणियार जी? कमलेश मणियार जी वो गए हैं पैसे लेने के लिए। कमलेश मणियार जी, कमलेश मणियार जी, अरे कमलेश मणियार जी। अब बहुत ही बढ़िया है, 300 करोड़ की जायदाद है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। एक ही औलाद है, उसके बाद भी इसने मना कर दिया। ये क्या है? अरे मैं खुद थोड़े कर रहा हूँ, अपने आप ही हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरा जो बेटा है वो विदेश में पढ़ना चाहता था, मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। लौट कर जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचा, हमने उससे शादी की बात की, लड़का डर के मारे कांपने लगा। डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना भैया। शांत रहो ना। वो क्या है, जैसे ही उसने लड़की की फोटो देखी, हाँ, उसने तुरंत हाँ कर दिया और हम फौरन आपके पास आ गए। बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उन्होंने हाँ कह दी तो रिश्ता पक्का कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे, कर लेंगे। आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आपको तो कोई भी पसंद कर लेगा। आपने विदेश में पढ़ाई की है, मुझे भी बहुत पसंद है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शादी के बाद मैं चाहती हूँ कि मुझे 3 बच्चे हों, लेकिन मेरे सभी बच्चे मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ ना बिल्कुल उसकी तरह दिखने चाहिए। गांव वालों को बुरा लगेगा, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा। आपको कोई एतराज नहीं है ना? बेटा राजा, ए मेरे लाल, मेरा सोना, अरे रे 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 रे, ऐसे भाग क्यों रहा है? मैं बताती हूँ। हाँ बोलो बेटा। मेम साहब, आप शायद कुछ बात करना चाहती हैं, हम लोग निकलते हैं। इन दोनों के बीच क्या बात हुई पता नहीं,
स्कूल में प्यार, कॉलेज में प्यार, जहाँ काम करते हैं वहाँ भी प्यार, ये गलत नहीं है। और इनका बेटा जब विदेश में पढ़ने गया था तब वहाँ एक लड़की के साथ संबंध बनाया। हे भगवान, वो लड़की मासूम है। अगर वो हमारी शादी में गोद में बच्चा लेकर आ गई तो दोनों परिवारों का अपमान हो जाएगा ना। मैंने जब ये पूछा तो वो नाराज होकर चले गए। मैंने कुछ गलत किया क्या पापा? तुम ऊपर जा बेटे। अब मुझे समझ में आया कि तेरा बेटा शादी के लिए क्यों हिचकिचा रहा था। अब ऐसे लफंगे बदमाश लड़के के लिए तू मेरी बेटी का हाथ मांग रहा था? चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जा कमीने। मामा, आप मुझे कब से जानते हो? ये मेरी बहन ने तेरे को जन्म दिया और तूने चिल्लाया वाह वाह, तब से जानता हूँ। कहाँ से आ रहे हो? अरे मामा, भांजे कहाँ से आ रहे हो? 10:30 के बाद हम किसी से बात नहीं करते। क्यों? हम नशे में जो बोले तुम सच मान लेते हो। क्या हुआ? कुछ मजे नहीं किया, 5 लाख का कर्जदार बनकर आ गए हम लोग। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज इस मोहल्ले में लोग चैन से नहीं सो पाएंगे। हम लोग सोने नहीं दोगे क्या? सो जाओ। सोने भी नहीं देते। सोने दो यार। अरे सो जाओ। भांजे, लगता है बहुत बड़ा मैजिक मैन है। दो पैरों को फोल्ड करके 4 पैर बना दिया उसने। अच्छा, जरा मैं भी देखूं। देख मामा, उसमें से 2 गोरे और 2 काले पैर दिख रहे हैं। मर्द के पैर में पायल घास जा रही है। तेरे पैर तो काले, गोरे वाले पैर कहाँ है? बता, टेंशन हो रही है मुझे, बता। पैरों को छोड़ो, पायल कहाँ गई वो पूछो। पायल कहाँ है? दुबई के सेठ से हाथ पैर जोड़ के 15 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। अपनी बीबी के साथ सोना कोई गुनाह है क्या? तुम्हारे मजाक की कोई सीमा ही नहीं है। तो अच्छा, तुम दोनों पति पत्नी हो गया, माफ करना दोस्त। अरे सुनती हो क्या? अरे वो लोग चले गए। हाँ चले गए। लड़की का पैर मुझे भी देखना है। माँ, क्या हुआ बेटा? एक तो पहले ही मेरे सर में 1000 काम पड़े हुए हैं और ऊपर से तुम इरिटेट कर रही हो। बात क्या है बेटा? सुबह सुबह कहीं जाना मत, कुछ जरूरी काम है, घर पर रहना बोलकर चले गए। ऐसा क्या काम है माँ? ए पापा के बारे में ऐसा मत बोल, वो बहुत सीधे इंसान है। कोई जय सिंह नाम का आदमी है, पापा को बड़ा बनाने की बात कर रहा है। तेरे दादाजी की जायदाद बेच कर कर चुका रहे थे, आखिर मैंने बेवकूफ बना दिया। अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए 15 दिन से घर पर बैठे हुए हैं तेरे पापा। अरे माँ, तुम बिना सुबह सुबह। कमलेश, मैं बिना पति के रह सकती हूँ, तू पापा के बिना रह सकता है क्या? मैं पापा के बिना रह लूंगा, आप पति के बिना नहीं रह सकती। रहने दे रहने दे, पापा का बरामदे में बैठना हमारे लिए गर्व की बात है, समझा करना बेटा। किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? पापा पापा, क्या हुआ बेटा? भगवान तो उधर है, दादाजी की फोटो इधर है, उधर किसकी प्रार्थना कर रहे हो? जरा बताओ। नहीं, अरे ये सब क्या है? जय सिंह का आशीर्वाद? जय सिंह मतलब घोड़ा। पापा, तो इसका मतलब दादाजी की सारी जायदाद, घोड़े की रेस में लगाओगे आप? मतलब जय सिंह कोई आदमी नहीं है, घोड़ा है। माँ को पता चलेगा तो क्या होगा पता है ना? मर जाएगी। मैं अपनी बीवी के बिना रह सकता हूँ, तू अपनी माँ के बिना रह सकता है क्या? मैं अपनी माँ के बिना रह सकता हूँ, लेकिन आप अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकते। हाय सुनिए, घर पर घोड़ा आया हुआ है। रश्मि, मैं अभी आया। अरे जल्दी, मैंने घोड़े को लाने के लिए कहा था। किसके लिए जी? जब शादी हुई थी तो मेरी उम्र कितनी थी? 23 साल थी जी। और तुम्हारी उम्र क्या थी? 17 साल। अभी हमारे बेटे की उम्र क्या है? 23 साल। तो शादी करवानी पड़ेगी ना? हाँ करनी तो पड़ेगी, पर लड़की कौन है? तू अभी भी नादान है। हनुमान गढ़ी में मेरे रिश्तेदार की बेटी है, चलो चलते हैं, बात पक्की कर लेते हैं। देखो जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है बेटा, हमारे पहचान की लड़की हमारे घर बहू बन के आ रही है। रामनाथ, घोड़े के लिए पैसे कहाँ से? उसे मैंने रसोई से निकाल लिया। अरे अब खाना क्या सड़क से खरीद के खाएंगे? हिम्मत मत हारो, भगवान है। क्या भांजे के रिश्ते की बात हो रही है? होने दो मामा, खुशी की तो बात है, चुपचाप चलो ना। बेटा घोड़े पे बैठ जाओ और कैलाश तुम उसकी मदद करोगे। और शाह, हम 12 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है मालिक। जब तक उसके घर न पहुंच जाए बैंड बाजा बंद नहीं होना चाहिए, बजाते रहना। जी जी मालिक। चल मेरी घोड़ी, टिक टिक टिक। चलो। अरे एकदम आराम से मामा, मैं हूं ना।
रुको। ए केशव। जी साहब। मैं अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? हाँ, पता है, मैं भी साथ चलूँ क्या? वहाँ पर चिकन और मटन मिलेगा और तू यहाँ बासी खाना खा रहा है, चल साथ चल। क्या कहा, मटन चिकन? तू भी आजा सरोजा। उन्हें नाचने से मना कीजिए ना। अच्छे से तो नाच रहा है। कहाँ जा रही है तू? दरवाजे के बाहर कदम रखा तो मुंह तोड़ दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, 50 साल के हो गए तो डिवोर्स नहीं दे सकता? खाल उधड़ के रख दूंगा। बस 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 हो जाओ। जीजा जी, दरवाजा खुला मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे अमीरों का घर है, 10 लोग तो अकाउंट देख रहे होंगे। जोर से बजाने के लिए बोल। बजाओ बजाओ बजाओ। बस बस बंद करो। साहब, मटन चिकन की खुशबू आ रही है। चुप हो जा। भैया, लगता है वो लोग बाहर नहीं आएंगे, चलिए हम लोग ही अंदर चलते हैं। ऐसी बात क्यों करते हो भाई साहब, इन सब के लिए रिवाज है। कैसा रिवाज है मालिक? अरे ओ हरा कद्दू, ये बख्शीपुर का रामनाथ जब रिश्ते की बात करने आया है तो हनुमान गढ़ी वाला आरती लेकर मेरे सामने 3 बार घुमाएगा, मेरे पैर धोएगा। रे चाराना है क्या तेरे पास? हम उन्हें दक्षिणा देंगे, वो आगे जाएंगे और हम उनके पीछे जाएंगे। ऐसा करेंगे क्या? करेंगे क्यों नहीं, यही रिवाज है। रे चार पीढ़ियां बदल जाए, ये नहीं बदल सकता। बाहर किसने बेकार की भीड़ लगा रखी है? सुनिए जी, भाई साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? रश्मि, वो अपने रिश्तेदार है ना, खिंचाई कर रहे हैं हमारी। तुम लोग शराफत से जा रहे हो या मुंह पे गरम पानी डालो? हमारी सरासर बेइज्जती किए जा रहे हैं। आ गए। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? तमाशा करने के लिए कोई बैंड बाजा लेकर आता है क्या? जो भी है अंदर चल के बात। मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है जो सब गांव वालों को अंदर बिठा कर बात करूंगा। जो भी बात करनी है, 4 लोग अंदर आओ और बात करके निकलो। ठीक है भाई साहब। जी जी, मैं भी। कैलाश दो, मैं 3, और माचा। पापा, मेरे लिए कुछ है बोलकर आप यहाँ पर आए हो? तुझे क्या बोलकर आया हूँ? और क्या, तेरे लिए ही तो लड़की देखने आया हूँ। तो मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? भाई साहब ने तो 4 को ही आने के लिए बोला। भाई साहब 5 लोग आ रहे हैं। ससुर जी ने हाँ नहीं बोला। भैया बाहर गरम चाय भिजवा देना। अभी चाय पी लेंगे तो खाना कैसे खाएंगे? क्या बात है बोलो। हमारा इकलौता बेटा है, बड़ा हो गया है। और आपकी बेटी भी बड़ी हो गई है। नहीं, कल मालिक की बेटी गोली खेल रही थी। जी हाँ मालिक। मालिक आप लोगों को कुछ बात करनी है, हम निकलते हैं मालिक। तो दोनों बच्चों की शादी हो जाएगी तो दोनों परिवार खुश हो जाएंगे। भाई साहब तो परेशान हो गए, एक ही बेटी है ना। भाई साहब बच्ची को यही रहने दो, मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ लेके आ जाता हूँ, मैं घर समझी बन जाऊंगा। आप तो खुश है ना? खड़े हो जा। कहाँ ना खड़े हो? क्या हुआ भाई साहब? घर की हर एक चीज बेचकर खा चुके हो, अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तेरा बेटा गांव भर में आवारा गर्दी करता है। मैंने अपनी इकलौती बेटी को अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया और आज वो 25,000 की नौकरी करती है, ये जानने के बाद भी तू ये रिश्ता जोड़ेगा? मुझे पता है तू यही सोच रहा है ना कि ये रिश्ता करने से तुझे साल में 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। अभी गाँव के लोग तुझे बहुत शरीफ समझते है न, उनके सामने शरीफ बने रहना है भाई साहब, तो चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना अच्छा नहीं होगा। भाई साहब बड़ी बातें मत कीजिए, चलो सब लोग। आता हूँ भाई साहब। बेटा, उनकी बेटी की शादी करने की औकात नहीं है ये कह रहे हैं। मेरी औकात नहीं है क्या? वो ऐसा कह रहे हैं। शांति से घर में बैठा था, यहाँ आकर बेइज्जत करवा दिया। इसमें बेइज्जती क्या है, जिंदगी में ऊंच नीच होता है। चल, मैं ऐसा नहीं छोड़ सकता। क्या करने वाला? बताता हूँ। अरे बेटा सुन मेरी बात। अरे सुन, औकात देख कर लड़की दोगे क्या? अभी बोलता हूँ, कान खोल कर सुनो। आज से लेकर 6 महीने 60 दिन में। भांजे ही गलत है। हाँ ठीक है, क्या होगा? मेरे घर के सामने घुटने टेक कर, कमलेश मेरी बेटी से शादी कर लो, कमलेश मेरी बेटी से शादी कर लो, ऐसा गिड़गिड़ा हो गया। पापा, पैर उठाइए उठाइए, मैं अपने बाप के यहाँ आना है। क्या करने वाला है तू? अगले 3 महीने में 300 दिन में गिनती शुरू कर दी। अरे तुम चुप रहो यार, अगर मैं बिजनेसमैन नहीं बनाना पापा, मामा, मैं सह नहीं पाऊंगा, तो फिर मेरा नाम कमलेश निकाल कर कुछ और रख देना, कुछ और नाम रख देना मेरा। अरे चल निकल पागल। जाने वाले
दादी चलो अपने घर पर चलते हैं सब लोग। तू घोड़े को निकाल रहे? घोड़ा नहीं हिलेगा। क्यों? चार घंटे के लिए हायर किया था, आधे घंटे एक्स्ट्रा हो गए। पैसा निकालो तभी यहाँ से जाएंगे। घोड़ा हिलाने की जरूरत नहीं है, चलो रे सब लोग। पैसे पैसे पैसे। बिना खाए ही वापस आना पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। अगला प्लान क्या है? अब कोई भी बोलेगा तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। मालिक मटन चिकन खिलाने के लिए बुलाया था, अभी क्या करें? कूदने देना। इंसान को खाना जरूरी है क्या? मान मर्यादा जरूरी है। हनुमान गढ़ी वालों ने लड़की देने से मना कर दिया तो मैं वहाँ रुका क्या? निकल गया ना। हम मान मर्यादा वाले कंगाल परिवार के। अरे मटन चिकन के लिए घर का खाना छोड़ के आए थे ना, अब भूखे रहना तो ये भी है क्या? अच्छा हुआ तूने क्या कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तूने बहुत अच्छा कहा, अच्छी बात की। हमारा परिवार जरूर आगे बढ़ेगा, मुझे विश्वास हो गया, मुझे विश्वास हो गया। बेटा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, ऐसी शर्त लगा दी। एक ही शब्द में मैंने उसका मुंह बंद करवा दिया। वैसे माँ ये बिजनेसमैन होता क्या है? बेटा अच्छा हुआ जाने से पहले खाना बना लिया था। ठीक है ठीक है। ये क्या घर का गेट तो खुला हुआ है माँ जी। हे भगवान मैंने तो ताला लगाया था। अरे अंदर का दरवाजा भी खुला है। अरे 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 कहीं चोरी तो नहीं दादी जी? अरे ये पगले यहाँ है। घबराइए मत, वैसे यहाँ था क्या जो गायब होता? आप सब लोग रहते थे पर पहले ही गायब हो गए और अब वापस आ गए। मेरा हाथ मांगने गए थे ना? हाँ। मुझसे पूछे बिना चले गए? अगर आप लोग आने से पहले मुझे बता देते तो मैं पापा से कुछ भी कहकर उन्हें घर से बाहर भेज देती और आप लोग आते ही मेरा रिश्ता तय कर लेते, शादी की तारीख फिक्स हो जाती। सही कह रही हूँ ना अंकल? आप लोगों ने सब गड़बड़ कर दी। मेरी बहू कितना अच्छा बोल रही है ना, खरी खोटी सुना रही है वो। वही मैंने भी बोला। 6 फुट लंबा हो गया है पर दिमाग में अकल नहीं है क्या? क्या कहा? वहाँ तेरा बाप मेरी बेइज्जती कर रहा है और तू यहाँ मेरे घर पर मुझ पर हुक्म चला रही है। माँ 5 मिनट में ये यहाँ से नहीं निकली तो इसका थोबड़ा तोड़ दूंगा। अरे समझा देना इसे। हाँ? शक्ल देख बंदर कहीं का, चल जा। ओहो कोई काम नहीं है तो एक्सरसाइज कर रहा है और वो भी खुले आसमान के नीचे। पूरी दुनिया देख रही है, यहाँ तो कोई खिड़की दरवाजा भी नहीं है। लगता है अंकल ने घर बार सब कुछ बेच दिया। अरे अरे अभी तो इधर क्या कर रही है, क्या काम है तेरा? थोबड़ा तोड़ने की बात कर रहा था ना, ले तोड़, चल तोड़। चल जा। तोड़ ना। अरे जाना। तोड़ के देखा। जाती है कि नहीं? इंसानों के रहने की जगह पर भेड़ बकरियां हैं और भेड़ बकरियों की जगह तुम लोग रह रहे हो। एक ऐसे हाथ मत दिखा मुझे। अब सुन, हफ्ते में 7 दिन उसमें से 6 दिन तो कहीं भी चला जा, लेकिन 1 दिन मेरे लिए रखना होगा। तू क्यों ऐसी बात कर रही है? मैं तेरे परिवार को नहीं छोड़ूंगी, एक ना एक दिन सही रास्ते पर लाकर ही रहूंगी, देख लेना। पागल, रास्ता इस तरफ है। हाँ हाँ पता है मुझे, वैसे भी हर तरफ से खुला है, कहीं से भी चली जाऊंगी। अगले 3 हफ्तों में देख कैसे रास्ते पर लाती हूँ तुम लोगों को। जल्दी आ, जल्दी आ, गाड़ी आई है, गाड़ी आ रही है। मेरी साली को बच्चा हुआ है, अगर आप हमें लिफ्ट दे देंगे तो हम रास्ते में उतर जाएंगे। कौन सा, मैं तुम्हें गोद में बिठा कर ले जाऊंगा, जाओ बैठ जाओ। अपने कपड़े ठीक करो। ऐसा क्या? पापा 1 मिनट हो गया, शुरू करो पापा। क्या शुरू करने वाले हो? हम लोग सभी से लिफ्ट लेकर लिफ्ट होने वाले परिवार है। तुम लोग सुरक्षा परिवार है। बहुत टैलेंटेड हो अंकल। ठीक है अभी क्या करोगे तुम लोग? इस गुल्लक में होल करके सब निकालने वाले हैं। देखो जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, तुम्हें जेवर चाहिए ना, तो भाई एक काम करो, मैं आराम से गाड़ी चला रहा हूँ और तुम जेवर निकाल लो। नो मुसीबत नो बड़, आप तो दानवीर कर्ण हो, ये काफी है ना? सर आप ये गाड़ी हमें दे सकते हैं? अरे कम से कम ये तो रहने दो। तू इतनी शांति से क्यों जा रहा है? मैं पेट्रोल नहीं है और जेब में पैसे नहीं। बकरी उठा लूं क्या? चप्पल से मारूंगा। चले छोड़ दे। ये मेरा क्या बीच में? और तेरे पास जो कुछ भी है निकाल के हमें दे दे बुड्ढे, नहीं तो तेरी जान इस चाकू के जरिए बाहर निकाल दूंगा। बगल में देख। अरे क्या कर रहे हो? अरे 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 मारो मत। घुसा दिया। अरे अरे छोड़। कहाँ भाग रहे तू?
अरे छोटू, हमने उनको बचा लिया है, फिक्र मत करो। छोड़ो हमें, छोड़ो ना। देखो ऐसे बात नहीं करते, संभल कर। सही वक्त पर आकर बचा लिया, लाओ दो। मैडम कौन है? चुपचाप मैडम, वो कौन है? छोड़ो, आओ आओ। क्या कर रहे हो? आज के बाद जरा संभल के रखना। अरे ये मेरी बीवी नहीं, उस चोर की बीवी है। सॉरी सर, लाओ दो। आपकी बीवी है, समझ लिया। सब कुछ ठीक है ना? देख लीजिए। वो सब रहने दो बेटा, ये पकड़ो। तुम अच्छे लड़के हो, कोई भी जरूरत हो तो मुझसे मिलना। सर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मंगल सिंह ठाकुर सिल्क साड़ीज। वाह। मालकिन साहब इस खेत को कब बेचने वाले हैं? इसे कोई नहीं खरीदेगा लक्ष्मी, मेरे पति के दादाजी ने मंदिर के लिए दान किए हैं। ओ ऐसा है क्या? तभी मैं सोच रही थी। ए दादी, हफ्ते में एक दिन मेरे लिए निकालने के लिए कहा था, कहाँ छुपा बैठा है तुम्हारा पोता? तुझसे डर के ही यहाँ छिप कर बैठा है। दादी हा? मैंने आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी ली है। इसने बताया ना? अरे अरे, इसने बताया नहीं बताया। दादी मैं पहले आपके परिवार के बारे में कुछ पूछूं? हाँ पूछो बेटी। दादी आपके और दादाजी के बीच प्यार तो बहुत रहा होगा, उसके बारे में आप कुछ बताइए। क्या दादी, अपना परिवार यही अगला कदम बढ़ा रहा है क्या? ए तू जरा चुप करना, उसने पूछा है तो कोई वजह होगी। हाँ? जब तक तेरा बाप पैदा नहीं हुआ था तब तक वो शांत थोड़े नहीं थे। जैसे तू हमारी करीबी रिश्तेदार है वैसे वो भी थे। वही मेरा जन्म हुआ, मैं पली बड़ी भी वही। मैंने पढ़ाई भी वही की और मेरी सहेलियाँ भी वही की थी। 12 साल की उम्र तक मैं वही खेलती कूदती रही। और उसके बाद? उसके बाद मेरे पापा ने मुझे वहाँ जाने से मना कर दिया। क्यों? मैं बड़ी हो गई थी ना। उसके बाद आपने दादाजी को कभी नहीं देखा? 20 दिन तक वो शांत रहे, लेकिन 21वें दिन वो आकर हमारे बगीचे में खड़े हो गए। ए कौशल्या, तू आजकल हमारे घर क्यों नहीं आती? मैंने कहा कि मेरे पापा ने वहाँ जाने से मना कर दिया। इतनी दूर रह के बात करेगी क्या? करीब नहीं आएगी क्या? और उनकी बात सुनकर मैं उनके पास चली गई। मैं कुछ बोल नहीं पाई और सब कुछ आराम से हो गया। क्या क्या हुआ? अचानक ही उन्होंने बोल दिया। क्या बोला दादी? अगला सवाल पूछो। अगला सवाल अगले रविवार को। ओके, जाती हूँ, बाय। ए चल जा। अरे अगले रविवार को जरूर आना, भूलना मत। हाँ दादी, ठीक है ठीक है। अगली बार इसे आने तो पता था। आज कौन सा सवाल करने वाली है? दादी आपके और दादाजी के बीच जिंदगी में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ था क्या? जिंदगी में कभी? हम दोनों में शादी के 5वें दिन ही झगड़ा हो गया था। झगड़ा होते ही दोनों परिवार 2 साल के लिए अलग हो गए। वो क्यों? उनको खाने में लहसुन प्याज पसंद नहीं था। ठीक है, ये बात मुझे पता नहीं थी तो मैंने ऐसे ही बना दिया। मुझे जो पसंद नहीं वो खाने में क्यों डाला तुमने, ऐसे बोलकर वो घर के सारे बर्तन फेंकने लगे। और इसी बीच मेरे पापा घर पे आ गए। उन्होंने कहा तुमने बर्तन क्यों फेंका, अगर मेरी बेटी के सर पे लग जाता तो क्या होता। ये बोलकर पापा मुझे साथ ले गए। तो फिर आप और दादाजी 2 साल तक नहीं मिले? आ गई मुद्दे पर। उसका इससे क्या संबंध है? तो फिर सिर्फ 5 दिन ही रुके और 6ठे दिन आधी रात को चुपके से छत के रास्ते मेरे पास आ गए। अच्छा, चले गए। और मैं प्रेग्नेंट हो गई। शादी से पहले ही बात कर ली और अलग होने के बाद बच्चा पैदा कर लिया। अरे ए कमलेश, सुना कुछ?
ठीक है टाइम हो रहा है, जल्दी सवाल पूछो। अरे कमलेश, हाँ? तुम क्यों इतने उतावले हो रहे हो? नहीं नहीं, क्या है, पता चलने के बाद मैं अपने काम पर जा सकता हूँ ना। दादी, आप और दादाजी अगर बात करना चाहते थे तो किसको कौन सिग्नल देता था और कैसे देता था? तुम्हारे दादाजी सिग्नल देने में एकदम माहिर थे। कैसे? उनको उबला हुआ दूध नहीं ताजा दूध पसंद था। मैं कुछ समझी नहीं। जब मैं दूध दूहती थी तो वो मेरे पास बैठकर सारा दूध एक बार में गट गट करके पी जाते थे। इसका मतलब मैं बात करने वाले हैं। वो सिग्नल देते थे और मैं बात करना शुरू कर देती थी। जब मैं नहाकर गीले कपड़ों से निकलती थी तब तुम्हारे दादाजी ने मुझे देख लिया। आप गीले कपड़ों में खड़ी होती थी? ए? क्या हुआ? मैं पहले बहुत ही पतली थी। सारी बातें की, फिर भी सिर्फ दो ही बच्चे, उसकी बात की आप लोगों ने बात करना ही बंद कर दिया दादी। अरे आजकल ये सब परिवार नियोजन और उसके लिए दवाइयाँ मिलती हैं। उस जमाने में सब कहाँ था। लेकिन उस जमाने में तेरे दादाजी सुरक्षित बात करने में बहुत माहिर थे, बहुत बड़े खिलाड़ी थे वो। ये आपको कैसे पता? बात करते ही मैं समझ जाती थी। क्या जी बिना सुधार के ही बात कर रहे हो, मैं पूछती थी। तो वो कहते थे कि मैं सुधार के साथ बात कर रहा हूँ। कौशल्या, चुप कर। कमलेश, मेरी महीने की तनख्वाह 35,000 है, लेकिन मैंने पापा को सिर्फ 25 बताई है। तुम जब तक कमाना शुरू नहीं करते तब तक मैं तुम्हें हर महीने 10,000 दूंगी। मेरी एक बात मानोगे क्या? क्या? शराब पीना छोड़ दो। शराब पियोगे तो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमारे होने वाले बच्चे को भी नुकसान पहुंचेगा। क्यों रे, बात करनी है बुलाकर मुझे एडवाइस दे रही है? बात नहीं करनी तो क्या करना है तुझे? मैं क्या बोल रहा हूँ और तू क्या बोल रही है? कमलेश, डर मत। दादी ने जैसा कहा था वैसे ही हम दोनों भी वंश आगे बढ़ाएंगे। ए, बकवास बनकर। क्यों करूं? मुंह बनकर। ये क्या कर रही है तू? मुंह बनकर कहा तो मैंने मुंह बंद कर दिया। ये ले कपड़े, आज के बाद जो कपड़े मैं पहनने कहूंगी वही पहनना, समझे ना? बाय। हाँ जी, क्यों बुला रही है वो लड़की? हाँ, बात करने के लिए बुला रही है। अरे पागल, बात करने के लिए बुला रही तो जाके बात करो उससे। क्या भांजे, बात करने से बात बनती है और तू बात करने से शर्मा रहा है पागल कहीं का? तेरे पापा को मेरी दीदी से बात करके देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ, समझा? जाओ। जाने को बोला, मैंने आखिर ऐसी कौन सी बात कह दी इससे? चलो आ रहा हूँ। पता नहीं क्या करूंगा, एक ढक्कन मैंने भी इसमें डाल दिया। जाओ जाओ। क्या भांजे, हमेशा पहले खत्म करता, अभी शुरू भी नहीं किया तूने। पियूंगा तो मुसीबत हो जाएगी मामा। पिएगा तो क्या मुसीबत आएगी, मेरी बीवी मुझे छोड़ के भाग गई, पूरा गांव मेरे मुंह पे थूकता है। अगर वो सब बातें मैं लेके बैठा रहता तो आज मैं खुश रहता क्या? हा? लेकिन वो भाग कर क्यों गई? एक दिन उठी और चली गई। क्या बोल रहे हो तुम? एक पत्नी को एक पति से क्या चाहती है, प्यार ही तो चाहती है ना। सही कहा, प्यार नहीं मिला तो चली गई। बेवड़े पीने के समय अगरबत्ती लगा रखा है। अरे ओ सुनो, आप इस गांव के बहुत पुराने शराबी हो, पीने से क्या फायदा होता है सबको बताओ। जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो जब तक जिंदा थे तब तक रात में पीता था, उनके जाने के बाद दिन में भी पीना शुरू कर दिया। एक बार मेरी बीवी ने मजाक में पूछा कि क्यों जी आप दिन में पीते हो, मैंने भी मजाक में झगड़ा शुरू कर दिया। वो झगड़ा गाली में बदल गया, गाली से बढ़कर मारा मारी और फिर बड़ा दंगा। बस उसी दिन से मारा मारी पीना, मारा मारी पीना। उस गुस्से की वजह क्या है पता? ये शराब है। साल गुजरते गए,
मेरी बेटी बड़ी हो गई। मेरी बेटी के बड़ी होकर 10 साल के होने के बाद भी कोई उसका हाथ मांगने नहीं आया। एक दूर से मेरी जाति का पता कर मेरी बेटी का हाथ मांगने आया। उस दिन शराब का नशा मेरे सिर पर चढ़ा था और मैं घर के सामने नंगा पड़ा था। वो देखकर वापस चला गया और उसके बाद मेरी बेटी भी एक दिन किसी लड़के के साथ भाग गई। मैंने अपनी बीवी को ये कहकर उस पर हाथ उठाया कि एक बेटी को नहीं संभाल सकती, तो साउंड आया, रुक जा। अब मैंने पलट कर देखा तो मेरा 15 साल का बेटा मेरे सामने सीना तान कर खड़ा था। मुझे नीचे गिराकर अपना दायां पैर मेरी छाती पर रखकर बाएं पैर को मोड़ दिया और उस दिन का टूटा पैर आज तक ठीक नहीं हो पाया है। उसने मेरे सामने आकर कहा, जब तक तू जिंदा रहेगा मेरी शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने गांव वालों को बता दिया कि तू मर गया है। अब या तो तू मर जा या गांव छोड़ के चला जा। इस शैतान की बेटी से ना तो मैं नफरत कर पा रहा हूँ ना ही इसे छोड़ पा रहा हूँ। इसलिए दरवाजे के सामने खड़े होकर आने जाने वालों को पहले ढक्कन का शराब मुझे नहीं दिया तो मैं नंगा होकर गले लगाकर पप्पी दे दूंगा बोलता हूँ। अब बेचारे शर्म के मारे और क्या करेंगे, एक ढक्कन शराब मुझे दे देते हैं। पता है मेरी हालत किसकी वजह से है? इस नाले के पानी की वजह से। अरे भांजे, कल तक आप लोगों के साथ पीने के बाद नशे में होता था तो ये जगह स्वर्ग लगती थी, लेकिन आज इन शराबियों के बीच में बैठकर जब नहीं पी रहा हूं तो ये जगह नरक लग रही है। मैं आज के बाद नहीं पीऊंगा मामा। अरे भांजे, थैंक यू सो मच कमलेश। वो क्यों? तूने शराब पीना छोड़ दिया इसलिए अब मैं तुझे ज्यादा पसंद करने लगी हूं। हर लड़की एक अच्छी जिंदगी की चाहत रखती है और जब उसे ऐसी जिंदगी मिल जाती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। किसी और से शादी करके उसके साथ 30-40 साल गुजारने होंगे। अगर वो इंसान तू होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तेरी आजादी के बीच आ रही हूँ, ऐसा मत सोचना। कैसे भी रह, जैसे भी जी, चाहे कोई भी काम कर, लेकिन जब भी तुझे थोड़ा टाइम मिले अपने फ्यूचर के बारे में जरूर सोचना। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें मेहनत करनी होगी। कल इसने शराब छुड़वा दी, आज पता नहीं क्या छुड़वाने आई है। गुस्सा आ रहा है क्या भांजे? मुझे भी। उसका बाप धन दौलत पाकर बहुत खुश है, ये पढ़ाई लिखाई करके पैसे कमा रही है, और एक तेरा बाप है, घर का सामान बेचकर गुजारा करता है, और तू गैर जिम्मेदार आवारागर्दी करता है। तुझे वो इनडायरेक्टली टॉन्ट मार के गई है भांजे। वो सब डायरेक्ट बोलकर गई है मामा, और वो जो बोलकर गई है उसमें गलत क्या है? मैं बचपन से किसको देखकर पला बढ़ा? दादी माँ, माँ, पापा, आपको, आप चारों ने जो मुझे नहीं बोला वो बोलकर जा रही है। एक बात तो समझ में आ गई मामा, हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें ही कुछ करना होगा। आखिर तू इतना दुखी क्यों है बेटा? क्या हो गया है तुझे, हमें तो बता। नहीं दादी माँ, किसी काम पर जाना, जिंदगी में कुछ करके दिखाना, यही सब सोचता रहता हूँ। हाँ? पहले तू ये सब शराब के नशे में बोलता था, अब तू परिवार के बारे में सोच रहा है, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। तू एक काम कर, हमारे घर में कुछ खानदानी गहने हैं, वो मैं तुझे देती हूँ। कमलेश, मेरे गले में ये धागा है, लेकिन मंगलसूत्र सोने का है, मैं तुझे दे देती हूँ। हाँ? मैं हल्दी को धागे से बांधकर कहीं छुपा देती हूँ, इन दोनों को गिरवी रखकर जो पैसे मिलते हैं वो ले, और कोई छोटा ही सही अपना बिजनेस शुरू कर ले, बाद में छुड़ा कर दे देना। हाँ, आप क्या कहती हैं सासुमा? हाँ बेटा। क्या कमलेश, सुबह सुबह बुला लिया? मैं बिजनेसमैन बनने वाला हूँ। बिजनेसमैन बनेगा? हाँ। उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तो उसके लिए मेरी दादी माँ और माँ मुझे सोना दे रही हैं। हाँ। उन्हें 30,000 में गिरवी रखकर 10 मुर्गे मेरी तरह। हाँ। और उसके साथ साथ 50 मुर्गियाँ बिल्कुल तेरी तरह खरीदूंगा। खरीद कर हाँ। इन 10 मुर्गों को इन 50 मुर्गियों के साथ बात करवाऊंगा। हाँ। और उन्हें बातें करवा के बड़ा पोल्ट्री फार्म बनवाऊंगा। अगले साल इस वक्त इस जिले में ये कमलेश नंबर 1 पोल्ट्री फार्म वाला होगा। कैसा है मेरा आइडिया? मस्त आइडिया है, कमाल कर दिया।
इतना ही मेरे लिए काफी है। कल सुबह तुम रेडी हो जाना, तुम्हें कहीं ले जाना है। कहाँ? रेडी रहना। अच्छा वैसे हम बात कब करने वाले हैं? पहले मुर्गियों को बात करने दो, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, वेट करती हूँ। अरे क्या मृदुला, कुछ जरूरी बात कहनी है बोलकर इस विंडमिल एरिया में लेकर आई हो? तेरे नाम से एक विंडमिल शुरू करने वाले हैं। विंडमिल मेरे नाम से? अरे क्या यार, देखो मैंने जो सोच रखा है वो तो मैं करने ही वाला हूँ। ये इतनी बड़ी विंडमिल मेरे बस की बात नहीं है, ये सब शुरू करने के लिए तो करोड़ों रुपए लगते हैं। एक कमलेश, तेरे परिवार के पास पैसे नहीं है मैं ये जानती हूँ। तुम्हारे परिवार का नाम है, मनियार परिवार की इज्जत है। एक विंडमिल शुरू करने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए लगते हैं, उसमें से 1 करोड़ बैंक से लोन ले लेंगे, 1 करोड़ गवर्नमेंट के सब्सिडी से मिल जाएंगे और बाकी के बचे हुए 1 करोड़ हमें लगाने होंगे। वही तो, कैसे? एक शेयर की 10,000 कीमत रखकर सारे गांव वालों को पब्लिक शेयर में बदलकर 1,000 शेयर बनाकर खरीदते हैं, 1 करोड़ इजीली हमारे हाथ में आ जाएंगे। मृदुला, मुझसे इतनी सारी उम्मीद है? मेरी उम्मीद तुम ही तो हो। मुझे एक डाउट हो रहा है, क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करती है? इतना अच्छा लग रहा है अपनी कंपनी का नाम देखकर। इन सारे पेपर पे मुझे साइन करना है क्या? हाँ जी, साइन करना है। मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ? थोड़ा मुश्किल है जी, लेकिन हमने बिजनेस शुरू कर दिया है। रामनाथ सेठ, रामनाथ सेठ। हाँ, पेपर खराब मत करो। क्यों रे? अब क्या हुआ? आप साइन करोगे तो इस गांव में पैसे कौन देगा? फिर कौन करेगा? आपका बेटा कमलेश। तूने तो मेरा काम आसान कर दिया, धन्यवाद। अखबार आ गया क्या? आ गया है जी। कल मैंने मैगजीन में पढ़ा था कि मेहनत करना ही जिंदगी है। पवन कंपनी, रामनाथ सेठ। ए कमलेश, क्या हुआ दादी? ये साहब हमारे गांव के ही हैं। तेरे दादाजी के बचपन के साथी हैं ये दिल्ली में बहुत बड़ी जगह पे नौकरी करते हैं। उनका बेटा ही हमारे यहाँ का एसपी है। हाँ। अरे कौशल्या बहन, कैसी हो? सब ठीक है ना? भैया ये बेटा है क्या? नाम क्या? कमलेश। बहुत देर से इसे हाथ में ले रखा है, क्या है? एक विंडमिल शुरू करने की सोच रहे हैं। बैंक लोन, गवर्नमेंट सब्सिडी के बारे में पता कर लिया है। बाकी का जो 1 करोड़ है वो गांव वालों से शेयर देकर लेना चाहते हैं। मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? साहब, अगर आप इस शेयर को खरीद कर शुरुआत करेंगे तो मेरे बेटे की जिंदगी संवर जाएगी। ये भी अपने बाप की तरह नालायक निकलेगा, सोचा नहीं था। ये देखो, अब भी ये गर्व महसूस कर रहा है। चुप रहे, ये अपने खानदान को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये जान के खुशी हुई। अच्छा कर रहे हो बेटा तुम। एक शेयर बोल रहे थे ना, कितना? 10,000। एक शेयर 10,000 का बोल रहे हो, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चाचा जी, एक शेयर क्या, 10 शेयर ले लेता हूँ। ये लीजिए 20,000 रुपए, 2 शेयर दे दीजिए। खुशी हुई।
ठीक है लीजिए भैया 30,000 तीन शेयर। बहुत खुशी हुई भाई साहब। ठीक है ससुर जी। पूरे 5,000 मेरी पत्नी के नाम से। ये लीजिए। अरे कार्तिक नारायण भाई, ऐसे पैसे को पास में रख के देख रहे हो, क्या बात है? 10 लाख लगा कर चाय की दुकान खोल के दी थी, लेकिन ठीक से चला नहीं पाया। कहा कि जिस कीमत में बिक रही है बेच दो तो 1.5 लाख रुपए दे रहा। अच्छा, तो कहा दुबई जाना है, मैंने हाँ कर दिया। आपने गलत फैसला किया, अभी समझ लो बेटा दुबई जा रहा है, और इसके जाते ही अगर आपको कुछ हो गया और आप ऊपर चले गए तो क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, आग देने वाला कोई तो चाहिए। मेरे बाप को जब जरूरत पड़ी थी तो मैं उसके साथ था, और मेरा बेटा भी मेरे साथ ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ये बच्चे पास में रहें, यही असली जिंदगी है। जिस चिता को बेटे आग नहीं लगाएंगे ना, उसकी आत्मा भूत बनकर घूमती है। तुम भूत बनना चाहते हो क्या? पापा उस पैसे को उठाओ, दे दे, हमें दे भी उसमें शामिल। अच्छी बात है बेटा। संगीत गुरु प्रतियोगिता की प्रैक्टिस करें, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। वाह वाह वाह, क्या माल कर रहे हैं यार। चलो अब सब लोग जाओ। अरे वाह, तो मेरा काम कैसा लगा? कमर तोड़ दिया आपने। भांजे, औरत की आवाज आ रही है। छोड़ो ना, उनका कुछ पर्सनल होगा। विद्वान, अगला क्या है? पोजीशन चेंज। क्या पोजीशन चेंज? ता 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 तगड़ 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 ता 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 ता। अरे बाप रे, अभी कैसा लगा? बाप रे, ऐसा जोश मैंने कभी नहीं देखा था। जोश मुझे भी देखना है। अगला क्या है विद्वान? पोजीशन चेंज। पंछी बनो, उड़ के चलो नील गगन में। मामा, पर्सनल मामला है। अरे खोलो, खोलो, जल्दी खोलो। अरे जल्दी खोलो, जाओ भाई, जाओ खोलो, तगड़ तगड़ ताओ, जल्दी से खोलो दरवाजा, खोलो। आ जाओ आ जाओ। तत्तुम तत्तुम तत्तुम। क्या हो रहा था अंदर? एक प्रतियोगिता की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये फूल क्यों पड़े यहाँ पर? इन फूलों से तो मैंने पूजा की है। मामा, चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं। चलो चलो, मैं तो संगीत का रियाज कर रहा था। अबे संगीत गुरु कहाँ जा रहा है? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? चलो 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 चलो। ये सब कौन है, इनके नाम बताइए। तति तति तम। मामी को पता है क्या? तति तम पता चल गया तो तारागिरी तारागिरी। मामा मुद्दे पर आ जाओ, जल्दी से 5 लाख के शेयर्स। अरे देंगे तो आपको धोखा नहीं देंगे। ये लो ये लो पंदम, इसके बाद एक करो ओवर। फूल डालो। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, लाओ तो। ये लीजिए, मैंने दादी को दे दिया, उसे यहाँ पे रखिए। अरे आप भी फूल डालिए ना, आपको अच्छा होगा बेटा। बासी खाना खिलाकर मैं उन्हें मारना चाहता हूँ और उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता हूँ, और तू उन्हें मटन चिकन खिला रहा है। मटन चिकन की जगह पे उन्हें बासी खाना खिला। भाई, उस जगह पर कोई विंड मालिक पूजा कर रहा है। भाई, बुलाओ उन्हें। ए, चल रहे। रश्मि, कमलेश कहाँ है? दुकान गया है। ये भी ना, शुभ मुहूर्त में पूजा हो जाना चाहिए, पता नहीं कहाँ चला गया। जिया जी, क्या बात है जिया जी? कैलाश, कौन है ये लोग? काम मांगने आए हैं क्या? हे, मैं तुम्हारी जमीन हड़पना चाहता हूँ और तू इन्हें जमीन बेच रहा है। ए, क्या कर रहे हो तुम? ए, कौन है तू? मैं कौन हूँ? तू पूछने वाली कौन है? सब के सब यहाँ से निकल जाओ। इस जमीन पर पूजा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्यों कर रहे हो ये सब?
अब उठिए पापा। तुम लोग घर जाओ, मैं सुदर्शन जी से मिलकर आता हूँ। जाओ। गुस्से में लड़के ने बेरहमी से उसको मारा, अब वो लोग मुझे मारते तो वो शांत रहता क्या चाचा? पता नहीं वो लोग कौन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। देखो मैं रात में अपने बेटे से बात करूंगा। हाँ। कल सुबह तुम डायरेक्ट एसपी ऑफिस जाना, बाकी का वो सब देख लेगा। हम आपके भरोसे यहाँ आए हैं। आपकी कंप्लेंट सही हुई तो 24 घंटे में कार्रवाई हो जाएगी। इनको ले दो। आओ। यस सर। ये क्या है देखो। ठीक है सर। नमस्ते सर। नमस्ते बाबा। नमस्ते सर। पापा ने मुझे सब कुछ बताया, आप लोग आइए। चलो आओ। बैठिए। वो लोग कौन थे मुझे कुछ नहीं पता, उसे देख के मुझे ठीक नहीं लग रहा था, सोचा इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। जरा रुकिए, आप घबराइए मत, मैंने उन्हें बुलाया है। वेट करो सर, जयकांत आया है। हाँ, बुला। ठीक है। सीधा खड़ा नहीं रह सकता, चश्मा उतार, बटन लगा, सुना नहीं? ए, इसके कान से सब उतार। सर। लड़कियों की तरह सज धज के आया है। तेरा गांव कौन सा है? काशीपुर। उससे पहले कहां था? सीतापुर। वहां के इंस्पेक्टर से कह के तुझे मरवा देना चाहिए था, छोड़ दिया। तूने वहां जान की भीख मांगते हुए लिख कर दिया था ना कि अब कभी गलती नहीं करूंगा, यहाँ आकर अपनी औकात दिखा दी। मेरा नाम क्या पता है? हाँ पता है। मैं अच्छा इंसान हूँ, लेकिन तुम जैसों के लिए नहीं। और क्या पता है? बक्सर और काशीपुर में आपने 9 एनकाउंटर किया है। वो ऑफिशियल है, ये पता है। अनऑफिशियल कितना किया पता है ना? अगर कोई जनता को परेशान करता है तो मैं ऊपर वालों की परमिशन का इंतजार नहीं करता, सीधा ठोक कर चला जाता हूँ। दोबारा ऐसी गलती मत करना। आज के नौजवान जिंदगी संवारने के लिए मेहनत कर रहे हैं और तू उन्हें भटका रहा है। बेचारे ये भले लोग उस बूढ़े आदमी से जमीन लेकर विंड मिल शुरू करना चाहते हैं, तो तुम्हें इसमें क्या परेशानी है? भाई फंक्शन कब है? 19 तारीख को। कितने बजे? 10:30 से 12। हाँ 19 तारीख को 10:30 बजे विंड मिल चालू होगी। तूने जो भी नुकसान किया उसे पूरा करके दे। विंड मिल शुरू होने तक अगर इनको कोई भी जान का नुकसान हुआ तो तू करे या कोई और करे, 12:30 बजे तू जिंदा नहीं बचेगा। चल जा, भूलना मत 19 तारीख 12:30 बजे। आपके आशीर्वाद से हमारे परिवार में खुशियां आने वाली है, मैं बहुत खुश हूँ।
बच्चों पे आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अंदर आओ। उन पैसों को लेकर अभी कहाँ जा रहे हो? क्या पापा, पैसे ले जाकर बैंक में देंगे तो लोन मिलेगा और गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगी तो विंडमिल शुरू करेंगे। ये गवर्नमेंट गरीबों को देती है, अब इन पैसों के सहारे रामनाथ की फैमिली आगे बढ़े तो हमारे पूर्वजों को तकलीफ होगी बेटा। उसके लिए पापा का अच्छा वक्त शुरू हुआ इसलिए घर में 1 करोड़ आया है, अब मेरा अच्छा वक्त शुरू हो गया। जय सिंह अंदर है, ये बात किसी को मत बताना। जय सिंह बहुत स्ट्रांग हो गया है। हम लोग कार लेकर सीधा शहर जाते हैं, जिमखाना क्लब जाकर जय सिंह को पैसे लगाकर पैसे जीतते हैं। 10 करोड़ रुपए मिलेगा, पैसे आते ही 5 मिल शुरू कर देंगे। तेरी माँ को बता देंगे कि सब कुछ तेरी वजह से हुआ है ना? वैसे भी मुझे क्या जरूरत है ना? माँ, बैंक जाना है, लेट हो रहा है। कमलेश, रश्मि बैंक के लिए निकलूँ क्या? आराम से जाना बेटा, मैं बहुत खुश। सारा काम ठीक से देख लेना। ठीक है जीजा जी, ट्रेवल्स वाले ने कार भेज दिया। चलो कमलेश, टाइम हो गया। गवाई की चीज वापस लेने की सोच रहा हूँ लेकिन ये छोड़ ही नहीं रहा है। चलता हूँ, चलता हूँ। माँ आता हूँ मैं। हाँ बेटा, अंदर चलिए, आराम से जाओ। ड्राइवर साहब, आपका नाम क्या है? चिंतामणि। अरे चेहरा घुमा के भी तो बता सकते हो। चिंतामणि। अरे बाप रे, तुम इतने काले कैसे हो? मेरा बाप काला था तो मैं भी काला हुआ। आप तो खुश नसीब हो। हा? मुझे काले लोग बहुत पसंद है। अच्छा? मैं बचपन में माँ से झगड़ा करता था कि मुझे काला क्यों नहीं पैदा किया। ऐसा क्या? गाड़ी निकालो। एक है सेठ जी। अरे अरे, फिर से शुरू हो गया। अरे भाई क्या हुआ? सर जी, रेडिएटर में पानी नहीं डाला था। अरे घर पे बताया होता 1 घंटा पानी दे देता। माफ कर दीजिए भाई, आप लोग बैठिए, मैं सामने जाकर नदी से पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, काम तो कभी नहीं करता। अरे ये कैसे हो गया? गाड़ी निकालने से पहले मैंने सब कुछ चेक किया था, इसे चेक करना कैसे भूल गया? अभी तक आया क्यों नहीं? लेट हो रहा है, कहाँ चला गया ये? मैं देखिए अभी साथ में आऊँ? रुकिए ना पापा, पैसे रखे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। छोटू तो उतर गया, वो बुड्ढा अब तक क्यों नहीं उतरा? बुड्ढा भी उतर गया। बेटा कमलेश। पापा, कार से बाहर क्यों आ गए? कार में पैसे रखे हैं। मैंने कार की चाबी जेब में रखी है। ये ड्राइवर कहाँ चला गया? पानी लेने गया था ना? पता नहीं पापा। अरे वो शहर का लड़का है, तैरना नहीं आता होगा, कहीं फिसल के अंदर तो नहीं चला गया? जरा पानी में देख दो। ढूंढ कर देख लिया पापा, वो कहीं नहीं है। तो कहाँ चला गया वो? कार पापा। अरे ड्राइवर हम लोगों को छोड़ के जा रहा है। ए, अभी तक हम लोग गाड़ी में नहीं बैठे हैं। ए, हमको लिए बिना कहाँ जा रहा है? ए, रुक जा। बेटा जरा गाड़ी रोक, गाड़ी रोक बेटा। पापा, पैसा गाड़ी में रखा है, बोला था ना। अरे वो चाबी तो मेरे पास है। नहीं हो, ए, गाड़ी को रोक। ए, गाड़ी रोक। अरे गाड़ी रोक बेटा। ए, रोक। गाड़ी रोक बेटा। अरे स्कूल के बच्चे जैसे नोटबुक दिखाते हैं वैसे ही तुम लोग दिखा रहे हो। जो गया वो 1 करोड़ लेकर गया है, घबराहट हो रही है ना? तो आप लोगों को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए या जो पैसे लेकर भागा है उसका पता लगाना चाहिए। अरे बेटा हटिए, ये सब छोड़कर हिस्सा हिस्सा चिल्लाओगे तो पैसा खुद चल के तुम्हारे पास आएगा क्या? फालतू में तुम लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर के रास्ते के बीच में तमाशा कर रहे हो। जब तुम लोग मेरे घर आते हो तो मैंने मना किया कि मैं नहीं मिलूंगा? तुम लोगों के साथ बराबर का बर्ताव करता हूँ ना? क्यों रे परशुराम, तुमने 2 शेयर लिए है ना, कभी कुछ बोला है क्या तुझे? अच्छा भाई साहब, आपको कभी कुछ बोला है क्या? अरे सब लोग मुंह क्यों फेर रहे हो?
सब लोग कान खोल के सुन लो। तुम लोगों से ये रामनाथ बोल रहा है, जो पैसे लेके गया है वो कहाँ है, किस गांव में है, कैसे पकड़ूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन उसको पकड़ कर लाए बिना कोई सोएगा नहीं। जिम्मेदारी लो, चोर को पकड़ने के काम पे लग जाओ, जाओ। ए, कौन है चोर? कहाँ जाके ढूंढे चोर? चोर हमारे सामने खड़ा है और हम जाके ढूंढे उसे। कौन चोर? तू है चोर। ए भाई, रामनाथ साहब से थोड़ा तमीज से बात करो। अरे किससे तमीज से बात करूं मैं? पांच पीढ़ियों से इनके दादा परदादा हमारे दादा परदादा के पास काम करते थे। उस वक्त ये लोग बड़े चावल का दाना अपने पास रखकर छोटा दाना बांटकर दानवीर बन गए। ये हमेशा घर पे बैठे रहते और घर का सारा सामान बेच डाला। जब पैसे नहीं बचे तो ये शेयर्स के नाम पे हमारे घर पहुंच गए और शेयर्स के नाम पे हमारा पैसा लूट लिया और हम ही से सवाल पूछकर सरपंच के पास जाने की बात कर रहे हैं। मैं बेरोजगार इस गाँव में आवारा गर्दी कर रहा था। मेरे पापा ने कभी काम नहीं किया, हम लोगों को जीना नहीं आता है, इसलिए हम इस तरह जी रहे थे, लेकिन कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मेरे बाप पर हाथ उठा रहा है तू? क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? पैसा ना? पैसे कौन लेकर गया? मैं जाता हूँ, पैसा लेकर आऊंगा। अगर नहीं आया तो अपने माँ बाप की कसम खाकर कहता हूँ, अगर पैसा नहीं लाया ना तो इस पेड़ पर लटक कर हम सब आत्महत्या करेंगे। विश्वास कर ले। कौन पैसा लेकर गया है तुम्हें पता है ना? जाकर पैसे लेकर आओ, तब तक हम तुम्हारे माँ बाप को संभालते हैं। जाओ। चल भांजी। बेटा चला जा। इतना गुस्सा ठीक नहीं है बेटा, जाइए आप लोग जाकर सो जाइए। इसकी झूठी कहानी पे मेरे पापा विश्वास कर सकते हैं, मैं नहीं। तुम्हें हमारा हिस्सा देना ही पड़ेगा, समझ गए? सारे गाँव वाले सुन लो, गाँव से लिए हुए 1 करोड़ रुपए जब तक कमलेश वापस लेकर नहीं आता है, तब तक रामनाथ के परिवार को घर में बंद करके हर घर से एक वक्त का खाना पहुँचाया जाएगा। कार से जाते समय ड्राइवर पैसा लेकर भाग गया, तुम बेवकूफ कैसे बन सकते हो कमलेश? पैसा लेकर जाने वाला वो जयकांत ही है, मैं वहाँ जाकर उसके हाथ पर तोड़कर पैसे लाऊंगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है, एसपी साहब हमारे पहचान के हैं ना, अगर उन्हें बता देंगे तो वो कैसे भी करके पता लगा लेंगे। वैसे भी अभी अभी तुमने अपना बिजनेस शुरू किया है, अब बेवजह किसी मुसीबत में मत फंसो प्लीज। हाँ भांजे, अभी कोई मुसीबत नहीं चाहिए, सुबह एसपी ऑफिस चलेंगे। हाँ वही, ये खर्च के लिए पैसे रख लो, इसका ध्यान रखना। ए भांजे फिकर मत कर यार, हम एसपी ऑफिस पहुंच गए, उस जयकांत से हम पैसे लेकर ही रहेंगे, आजा। सर नमस्ते। सर नमस्ते। एसपी सर से मिलना है। एसपी सर सीएम की ड्यूटी पे गए हैं। कब तक आएंगे? 1 हफ्ते लगेगा, क्या बात है? बात यह है कि सर विंड मिल के मामले में मेरे जिया जी ने एसपी साहब से बात की थी, उसी मैटर में बात करनी है। ऐसा है क्या? कोई बात नहीं सर, सर के आने के बाद मैं उनसे मिल लूंगा। ठीक है चलते हैं। चलो मामा। हाँ हाँ ठीक है। तूने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं? गाड़ी में बैठो। मामा उस तरफ देखो। ठीक है भांजे। ए, ए, जयकांत कहाँ है? पता नहीं। तुझे नहीं पता? कहाँ है वो? झूठ बोलता है मुझसे। ए, जयकांत! भाई वो विंड वाले के लड़का आया है। क्या करे भाई? टाइम क्या हुआ है? 11:20। क्या हुआ भाई? जाकर बोल कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। ठीक है भाई। ए, क्या चाहिए मैं तुझे? जयकांत कहाँ है? वो अभी बाहर गए हुए हैं। झूठ बोलता है मुझसे। पैसे आने तक घर के अंदर ही रहो, हर वक्त हर घर से खाना आएगा बोल दिया है। भूख सह नहीं होती, ये सब क्या हो रहा है हमारे सही वक्त पे कोई खाना नहीं दे रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं क्या पता? आज कौन खाना देने वाला था? वो सुक्कू के यहाँ से जी। अपना पड़ोसी सुक्कू? जी हाँ। वो अपने माँ बाप को नहीं खाना खिलाता, हमें क्या खाना देगा? आ गया, आ गया। क्या सुक्कू, क्यों रे? खाना गरम गरम लेके आएगा तो खाने में मजा आएगा ना। आज खाने में क्या बना है? ये क्या इडली और गुड़, इसे कैसे खाएंगे? जहर लाऊंगा तो खाओगे? लेकिन आप बड़े खुशनसीब हो भाई, बगीचे में बैठो या घर में बैठो खाना मिल ही जाता है आपको। तुम्हें देखकर जलन होती है, मुझे जलन होती है। थू, तेरी तो। इसके लिए रोज आदमी को खाना लाना होगा। गांव की पंचायत ने भी अच्छा फैसला किया है। रश्मि सुकून नजर लगा कर जा रहा है, उसकी नजर बहुत खराब है, उसके पैर की मिट्टी उठा के मेरे ऊपर घुमा। ठीक है जी, तुरंत लेके आओ, चलता है हमसे।
ये क्या हो गया हमारे साथ? जो परिवार पूरे गांव को खाना खिलाता था, आज एक वक्त के खाने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ गई है। मैं उसे श्राप देती हूँ, वो कभी खुश नहीं रहेगा। जैसे मैं आपका बेटा हूँ, उसी तरह वो ड्राइवर भी किसी माँ का बेटा होगा। अगर आपका श्राप उस माँ को पता चलेगा तो वो दुखी नहीं होगी क्या? उसको क्या तकलीफ नहीं होगी? अब उसे क्या पता था कि बैग में पैसे हैं? एक ड्राइवर को कितने पैसों की जरूरत होगी? 5,000-10,000। वो पैसे लेके उसे बाकी पैसे वापस कर देने चाहिए थे, यही उसकी गलती है। माँ, अगर तुम उसे शराब दोगी और उसे कुछ हो गया तो मेरा बेटा जो पैसे लाने गया है, आप ही बताओ कैसे लेके आएगा? हाँ बेटा, आपका दिमाग खराब हो गया है। ये लीजिए, खाइए। नहीं बेटा, तुम खा लो, मैं और रश्मि बाद में खा लेंगे, तो उसे भूख सहन नहीं होती ना, खा ले। क्या हुआ मेरी जान? आजकल मेरे लिए तुम्हारे दिल में प्यार कम हो गया है ना? अब 3 दिन में सिर्फ एक बार बुलाते हो मुझे, क्या है ये सब? विस्की लोगी? अरे अरे, मैं ब्रांडी पीती हूँ ना। जिंदाल आया भाई, आया भाई। है बेवकूफ भाई, इंडियन और अच्छी क्वालिटी की ब्रांडी लेकर आ। एक बॉटल काफी है क्या दीदी? चल निकल। आता हूँ दीदी। कमाल है, देखना भी गुनाह है। ए, तो इधर ही रहना, मैं बोतल लेके आता हूँ। जल्दी जा करा। मैं तो रस्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, हमेशा की तरह आधा पीकर पानी भर देता हूँ। भांजे उसे देख, जिंदगी भी मजदूरों जैसी हो गई। जयकान का आदमी है ना वो? हाँ वो वही है। चलो चलो उसका पीछा करते हैं। ने मुझे देख लिया है, लगता है पकड़ लेंगे। ये जा कहाँ रहा है? क्या हुआ जिंदाल, अब तक क्यों नहीं आया? भाई अभी देख कर आता हूँ। वो रुक गया, लगता है वो कुछ सोच रहा है। रूट बदल कर इनको नचाता हूँ। हम लोग के पास भी दिमाग है सोचने के लिए। ए, ए जिंदाल, ए जिंदल, ए यहाँ आने की बजाय वहाँ कहाँ जा रहा है? ए पागल! अरे ये खेल बिगाड़ रहा है गधा। अबे तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी जरा। अरे गधे चुप हो जाओ। भाई यहाँ तू कहाँ जा रहा है? अरे पेशाब करना तो ऊपर आना। अरे जाओ ना। ए ए जिंदल, ए अरे इस दड़ियल को क्या हो गया? अरे रे मैं भाई को क्या जवाब दूँ? क्या बात है जान? अरे दो हीरो जैसे लड़कियां हैं जान। क्या कहा, दो हीरो? अरे मेरी घड़ी खराब हो गई। क्यों मार रहा मुझे? मेरा पैसा कहाँ है? कहाँ है पैसा? तूने जो चोरी की है वो पैसा कहाँ है? पैसा? समझता क्या है मुझे? क्या समझता है? मेरी यह हालत हो गई, क्यों परेशान करता है बार बार? क्यों क्यों क्यों? माँ कसम मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कहा? तेरे पास पैसे नहीं है तो इस तरह हम लोगों से तो छुप छुप के क्यों रहता है? क्या कहा? मैं तुम लोगों के डर से छुप कर बैठा हूँ? उस दिन एसपी ने क्या कहा था याद है? 19 तारीख को विंड मिल नहीं खुलेगी या किसी और के जरिए तुम लोगों को तकलीफ होगी तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। एसपी मैं घर पर बैठा हूँ और मुझे मार, ऐसा बोलूंगा? मैं तो अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ। तूने पैसे नहीं चुराए तो इस अय्याशी के लिए पैसे कहाँ से आए तेरे पास? एक नंबर का बेवकूफ है, ये पैसे हैं क्या? देख पैसे हैं, 2,000 के एक नोट से वो बोर होती है, इसीलिए उसे चिल्लर देता हूँ। अच्छा तुमने सोच कैसे लिया कि मैंने तुम्हारे पैसे चुराए हैं? उस दिन एसपी साहब बुलाकर तुझे धमकी दे रहे थे, तो उस दिन जो तूने मुझे लुक दिया था उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? मुंह तोड़कर एसपी ऑफिस में कंप्लेंट देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, उसका यही मतलब हुआ ना? अरे रे रे, ऐसा मतलब नहीं था भाई, मेरी पिटाई करके उल्टा तू एसपी से कंप्लेन कर रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा लुक दिया था। मामा, भांजे, भांजे तू पैसा कहां गया? Ha 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 ha!
माँ रश्मि पैसा वापस लेने गया था वो। सुनिए जी, पैसा चोरी करने वाला एक ही जगह पर बैठा रहेगा क्या? काम वालों ने फोन भी छीन लिया हमसे। वो कहाँ होगा, कैसा होगा, कुछ खाया या नहीं अपने कमलेश के बिना? सुनो बेटा, चाहिए तो ये घर हम गांव वालों को लिख कर दे देते हैं, हम सब सड़क पे रह लेंगे बेटा। अगर फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो हम जेल चले जाएंगे। लेकिन हम कमलेश के बिना नहीं रह सकते, नहीं रह सकते बेटा, नहीं रह सकते। ठीक है माँ, ठीक है, हम वैसा ही करते हैं। मैं जाके कमलेश को साथ लेके आता हूँ। चिंता मनी, अरे सुनिए, केजीटी ट्रेवल्स कहाँ पर है? केजीटी ट्रेवल्स यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट मारकर राइट, सीधा जाकर लेफ्ट मारकर राइट में। हाँ हाँ, सीधा जाके लेफ्ट मार लो। हाँ मामा, आप बोलो। ट्रेवल्स का एड्रेस मिला? अभी चिंतामणि को ढूंढने के लिए केजीटी ट्रेवल्स जा रहा हूँ। ठीक है भांजे। आप जयकांत के पास ही हो ना? हाँ हाँ। ठीक है, मैं वहाँ पर जाकर फोन करता हूँ। मिल जाएगी साहब, पूरे दिन के लिए बुक करवानी है। ठीक है, बुक कर दूंगा ना। पेमेंट तो एडवांस करना होगा। नहीं साहब, बिना एडवांस दिए तो नहीं होगा। ठीक है साहब, आप पैसे भिजवाओ, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। हाँ, नंबर बोलिए। कौन से कौन है तू? मुझ पर हाथ क्यों उठा रहा है? इस गाड़ी का ड्राइवर कहाँ है? मैं ही हूँ। अरे तू रही बे, वो टकला काला सा, वो चिंतामणि। ओ वो, उसको क्यों ढूंढ रहा है तू? मेरा पैसा चोरी करके भागा है। कितना पैसा? 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपए? कैसे यार? गांव का पैसा है, बैंक ले जाते समय हाथ मार दिया उसने। ओ, अमाउंट बड़ा होने की वजह से कार को जंगल में छोड़कर भाग गया क्या? उसका घर कहाँ पर है? अरे उसका कोई घर वर नहीं है, काम नहीं होता तो यहीं पड़ा रहता है वो। ठीक है, उसका फोन नंबर दो मुझे। भाई 2-3 दिन से उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। अरे क्या उसका घर भी पता नहीं है और फोन नंबर बंदे बता रहे हो? अरे वो टेम्परेरी ड्राइवर है, कोई परमानेंट नहीं है, ये सब ऑनर से पूछना पड़ेगा। ये आदमी हम पे क्यों चिल्ला रहा है? अरे छोड़ यार, पैसा खोया है ना, वैसे बड़ा मासूम लग रहा है। हम क्या कर सकते हैं? 1 करोड़ रुपए कोई आसानी से नहीं चुरा सकता, किसी दिमाग वाले ने इसके अंदर घुसकर काम किया है, तभी 1 करोड़ ठग लिया। से नीचे उतार। क्या रे, पहले पैसे चुराए और उसके बाद दोस्ती का नाटक करेगा? क्या समझा था, गांव के मासूम लोग समझ नहीं पाएंगे? इनका पैसा चुराने का मन कैसे करता है तेरा? तू सुधरेगा नहीं। वो बाहर गया है, वापस आने में 1 हफ्ता लगेगा। 19 तारीख तक पैसे नहीं मिले तो सारा परिवार फांसी पे लटक जाएगा। पैसे हड़प के मेरे आने से पहले सबूत मिटाना चाहता था। अगर एक अपराधी के पास इतना दिमाग है तो सोचो मेरे पास कितना होगा। तूने पैसे कब और किसको दिया मुझे सब पता है। पैसे मेरे हाथ में आ गए हैं भाई। आप लोग घर जाइए, मैं 4 बजे तक पैसे ले आऊंगा। ठीक है, इसे स्पॉट पर लेकर आओ।
पता नहीं किस ड्राइवर ने इनके पैसे ले लिए और ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुम लोग चाय पियो। तुम लोग बिना पैसों के गांव नहीं जा सकते। 19 तारीख को विंडमिल नहीं खुला तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। 1 करोड़ का प्रॉब्लम है ना। मेरे एक पहचान वाले के पास 12 एकड़ जमीन है। अगर हमें कोई बड़ी पार्टी मिल गई ना तो हम इस मुसीबत से बाहर हो जाएंगे। कौन सी जगह? अरे भाई वो है ना मार्केट के पास, सिल्क साड़ी की फैक्ट्री। भांजे, सिल्क साड़ी? अरे वो सेठ जी। हाँ मामा। हो तो तुम लोग उसे जानते हो? हाँ, वो बहुत बड़ा करोड़पति है और एक दिन उसको मुसीबत से मैंने बचाया था। बोले थे कि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आकर मिलना। उनकी फैक्ट्री के पास में ही वो जमीन है, वो जरूर खरीद लेंगे। अभी चलकर उनसे मिलते हैं। हाँ। बेच कोई और रहा है, खरीद कोई और रहा है, पैसे हमें कैसे मिल जाएंगे? हे, 1 एकड़ का 2 करोड़, 12 एकड़ का 24 करोड़, कमीशन 10%, 2 करोड़ 40 लाख, 13-21, मेरा 21, आधा आधा कर लेंगे। क्या जयकांत, हम 3 लोग है ना, 3 हिस्से करते हैं। ठीक है, 3 का 80-80 लाख। वो सब नहीं चलेगा, 3 हिस्से करने होंगे। Hey, 3 हिस्से ही 80-80 होते हैं। अच्छा ठीक है, तो चाय पी। बता कब मिलते हैं? कल सुबह ही मिल लेते हैं। जयकांत सॉरी, मुझे लगा था कि तुमने पैसा चुराया है। कोई बात नहीं, चाय पी। मृदुला? कमलेश कहाँ है तू? क्या हुआ? अरे हमने जैसा सोचा था, जयकांत ने पैसे नहीं लिए हैं। क्या, जयकांत ने पैसे नहीं लिए? तो हम लोग अब गांव वालों को क्या जवाब देंगे? तुम फिक्र मत करो, कल जयकांत के जरिए मेरे पहचान का एक बिजनेसमैन है, उनको हम लोग जमीन बेच रहे हैं। हा? उसमें 1 करोड़ रुपया कमीशन मिल जाएगा, तो उससे गांव वालों को सेटल कर देते हैं। और एसपी कैंप पर गए हैं तो उनके आने के बाद अपना 1 करोड़ मिल जाएगा, उससे विंडमिल शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कमलेश, मुझे अभी तुमसे मिलने का मन कर रहा है। आई लव यू कमलेश। क्या मामा, इतना बड़ा बंगला, सिल्क साड़ी की फैक्ट्री, लेकिन कार में जाते वक्त अकेले ही जाते हैं। पहले जमीन बेचकर पैसों के बारे में सोचो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उधर बेल है, जरा बजाओ। लगता है आ रहे हैं। सर, हम लोग आपको याद है? हे, तुम लोग वही हो ना जिन्होंने मेरी जान बचाई थी? वैसे ये आदमी कौन है? हमारा दोस्त है जयकांत। नमस्ते सर। ओ, अंदर आइए आइए, इसे अपना ही घर समझिए। और बताओ भाई, कुछ हेल्प चाहिए क्या? हाँ सर। बोलो क्या? सर, आपके सिल्क फैक्ट्री के पास जो एक खाली जमीन है ना? हाँ है। वो जमीन बेचने की जिम्मेदारी इन सर के हाथ में है। क्या कहा? मेरी दुकान के बगल में जो खाली जमीन है उसको बेचने की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। जी सर। अभी तुम्हारा काम कर देता हूँ। संपूर्णा साहब, अरे बच्चों के लिए जूस तो लेकर आओ। लाई साहब, मैं अभी आता हूँ। अरे बापरे भांजे, हमने तो कुछ बोला नहीं, फिर भी आदमी समझ कैसे गया? बड़े लोग बड़े ही होते हैं। ऐ कैलाश, करोड़पति लोग ऐसे ही होते हैं, बेवकूफ कहीं का। अरे बैठो बैठो, आपने कीमत के बारे में तो बात ही नहीं की। अरे यार तुम भी ना, इन्होंने मेरी जान बचाई थी, मैं इनके सामने कीमत की बात करूंगा क्या? तो जो भी भाव बोलेगा मैं उसमें डन कर दूंगा। लो ये ले लो। सर ये तो कागजात है। हाँ कागजात है। अरे मुझे दो। ये तो सिल्क साड़ी फैक्ट्री के कागजात हैं। हाँ सही कहा। दुकान क्यों बेच रहे हो सर? कर्जे में हूँ। आपके ऊपर भी कर्जा? एक कहानी है। कैसी कहानी? अरे वो जय सिंह है ना, उसकी माँ की 5 बार में मेरे 40 करोड़ चले गए। तेरे बाप का ग्रुप है। ये कागजात आप अपने पास सुरक्षित रखिए, मैं कीमत फिक्स करके आपसे मिलूंगा। जब हमने आपको बचाया था तब आपने कहा था कि कभी कोई हेल्प चाहिए तो आकर मिलना। मुझे हेल्प की जरूरत पड़े तो आकर देखने बोला। उसका मतलब ये है क्या सर? क्या मतलब? कोई और मतलब है क्या? उस दिन जब देखा था तो आप तिरुपति भगवान की तरह सोना पहने हुए थे। हाँ, हाँ। तो फिर आज ये सब कैसे? ये देखो, धोकर सुखा रहा हूँ, बाहर जाते समय पहन लेता हूँ। ये रख लो सर। रख लो बेटा, कभी यूज होगा। यूज तो नहीं हुआ ना। चलो। वो कहाँ गई जूस वाली? संपूर्णा? हाँ जी। साहब ने बच्चों के लिए जूस के लिए बोला? हाँ, था बोला था। तो दिया नहीं? नहीं दूंगी। तो फिर बोला क्यों? ये सब तो रिवाज है। आज मेरी बारी है। ए, रुक जा। ये क्या है? खाना। पूरे गांव वालों को बेवकूफ बनाने वालों के लिए तू खाना लेकर आई है? जा यहाँ से, भाग।
आज के बाद कोई भी इस घर में खाना लेकर नहीं आएगा। बड़ा पंचायती बने हैं पंचायत। ए, उस दिन बेटा घर छोड़ के भाग गया और आज बाप घर छोड़ के भाग गया। घर में औरतें ये सोच के हम छोड़ देंगे क्या? आज से तुम लोग का खाना पानी सब कुछ बंद। खाने पीने के बिना ये लोग मर जाएंगी। इनकी मैयत में आएंगे तब उन्हें बताऊंगा मैं। अरे जाके मर जाओ, ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती। चोर परिवार। क्या होगा बाजी? चिंतामणि? चिंतामणि? श्रद्धांजलि? चिंतामणि मर गया? अरे रे, मेरी माँ का दिया हुआ शराब सच हो गया क्या? अरे फिर पैसे, गांव वालों के पैसे, 1 करोड़ रुपया। अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? उठो उठो, इसे मरे हुए तो 2 दिन हो गए। चिंता, अरे क्या हो गया इन्हें? ये इस फोटो को देख करके गिर गए, पता नहीं क्या हुआ है। शायद उनकी पहचान वाला है। श्रद्धांजलि की फोटो देख करके ये जमीन पर गिर गए। अरे क्या हुआ भाई साहब, बताइए क्या हुआ। चलो चलते हैं। चिंतामणि मर गया, गांव वालों का पैसा है, मेरा बेटा कहाँ है? आप प्रसाद के लिए लाइन में लगो, लाइन में लगो, सबको मिलेगा। धीरे धीरे चलो, धक्का मुक्की मत करो, सबको मिलेगा। अरे भाई आप पीछे क्यों आ गया हो ना? अरे धक्का क्यों दे रही है भाई? तुमका चिंतामणि ड्राइवर के छोटे भाई हो? चिंतामणि का छोटा भाई? हाँ भैया, हाँ भैया। तुम्हारा भाई मर गया ना? अरे रो मत, रो मत, रो मत भाई। तुम्हारे भाई का परिवार बहुत तकलीफ में है क्या? उसके मरने से उसका परिवार तकलीफ में है और मेरे जीने से मेरा परिवार। तुम्हारे भाई की मौत की वजह क्या है पता? क्या है भैया? मेरी माँ का दिया हुआ शराब। रो मत, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा भाई मरने से पहले कोई बैग लेके आया था क्या? वो कोई बैग लेकर घर आया था क्या? अगर वो आया होता तो तुम यहाँ क्यों खड़े? चिंतामणि भाई जल्दी आओ ना, लेके जाओ। अरे यार आओ, रुक। हे, तू चिंतामणि है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं चिंतामणि नहीं हूँ, उसका छोटा भाई हूँ। अरे 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 छोड़ो, अरे मुझे जाने दो। अब तुझे छोड़ो, मेरा नाम चिंतामणि है, मेरे भाई का नाम छोटा चिंतामणि है। निकाल मेरे पैसे। मुझ पर विश्वास करो भाई। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे जाने दो, अरे छोड़ो छोड़ो। हे, तूने अपनी श्रद्धांजलि का पोस्टर चिपका रखा है, तू तो जिंदा है। ए, 1 करोड़ की चोरी करके यहाँ भीख क्यों मांग रहा है? पैसा कहाँ रखा है चिंतामणि? चिंतामणि बताओ ना, पैसा कहाँ रखा है? मेरी माँ और मेरी बीवी घर पे है और मेरा बेटा लापता है, मैं रोड पे भटक रहा हूँ। पैसे कहाँ रखे हैं? कहाँ रखे हैं पैसे? मैं तेरे घर पड़ता हूँ, बता। सेठ जी, बताता हूँ। हाँ, बोलना। सब कुछ बता देता हूँ। बता दो भाई। बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना। कुछ नहीं, भूख से चक्कर आ गया। बैठो। पानी नहीं, खाना। हाँ, खाना चाहिए। खाएंगे खाएंगे खाएंगे। चिंतामणि, मैं खाना लेके आता हूँ, पैसे कहाँ रखे बता। हाँ, बता दूंगा सेठ जी। तुम्हें क्या चाहिए? मटन करी और साथ में पराठा। अरे वहाँ मंदिर में भीख मांग रहा था और यहाँ मटन करी पराठा चाहिए तुझे? मेरी जान जानी है। अरे चिंतामणि, भूख से। भाई मटन करी और पराठा है क्या? हाँ है ना भाई। क्या होना जरा, 100 रुपए। कितने पैसे ले चिंतामणि? 100 रुपए? गाँव में तो 50 रुपए मिलता है। चिंतामणि कहाँ चला गया वो? क्या रे, खाना ला के दिया फिर भी तू मुझे बेवकूफ बना के भाग रहा है? सर जी, आपके बेटे को देखकर बहुत डर लगता है। क्यों रे? वो लंबू है ना, कहीं गोली ना मार दे। अरे वो कोई पुलिस वाला नहीं है। ए चिंतामणि, रुपए कहाँ रखे बता दो। मुझे भूख लग रही है, मैं भूख से मर जाऊंगा। आराम से बैठो, यहाँ पे बैठो। देखो चिंतामणि, खाना खाना चाहिए मुझे, खाना। अरे अब पराठे और मटन रेडी है क्या? अरे बनना है। अरे कब तक बनेगा? तुम बैठो, मैं लेके आ रहा हूँ। ला दो, मैं ही लेके जाता हूँ। चिंतामणि चल भाग, भूखा इंसान कब तक इंतजार करेगा? चिंतामणि, अरे वो तो पीछे से जा रहा है।
देखने में तो बेवकूफ लगता है, फिर भी उसने पकड़ लिया। अरे तू ऐसा क्यों कर रहा है, मुझ पर रहम नहीं आ रहा है। सेठ जी सब बोलिए, आप मुझे शरीफ लगते हो लेकिन आपका बेटा बहुत खतरनाक लगता है, कहीं यहाँ गन रख के वो मुझे उड़ा ना दे, इसी का डर है। वो कोई गुंडा है क्या? चिंतामणि पैसे कहाँ रखे बताओ ना। मुझे भूख लग रही है बहुत जोर से। अरे क्या मुसीबत है, अरे मटन करी और पराठा तैयार है क्या? अभी तुरंत क्या मिलेगा? जीरा राइस मिलेगा। जीरा राइस पार्सल दो। एक जीरा राइस, जीरा राइस नहीं, मटन करी। मुंह बंद कर, जरा मुंह खोलिए। ये रे पानी, मुंह खोल। अब तो बता कहाँ है मेरे 1 करोड़ रुपए? सेठ जी बोलना। बोलता हूँ सेठ जी, पहले हाथ तो खोल दीजिए सेठ जी। मैंने हाथ खोल दिया तो तू फिर से भाग जाएगा, बोल। क्या सेठ जी, आप भी आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी की थी ना, और आप दोनों वहीं पर कार में बैठे थे। हाँ बैठे थे। गाड़ी चलते चलते बीच में रुक गई थी। हाँ रुकी थी। फिर मैं पानी लाने के लिए गाड़ी से उतर कर गया था। आप दोनों मुझे ढूंढते हुए तालाब के पास आए थे, याद है? हाँ भाई। मैंने ये सब कुछ पेड़ के पीछे छुप कर देखा था। ऐसा क्या? फिर जब मैं गाड़ी लेकर जा रहा था, जा रहा था। ए चिंतामणि, मुझे जो पता था वही बता के फिर से बेहोश हो गया। चिंतामणि, ए मालिक, शायद आपको कुछ बात करने वाले हैं, चल चलते हैं। 5 साल की उम्र में 300 रुपए का केक लेकर मुंह में ठूस देते हैं। 5 साल की उम्र में 50 ड्रेस खरीद के हर 5 मिनट में बदलते रहते हैं। 8 साल की उम्र में डांस क्लास सिंगिंग क्लास में भेज देते हैं। 10 साल की उम्र में एसी कार में स्कूल जाते हैं। जवानी में किसी के साथ भाग जाते हैं और हमें ढूंढने के लिए लगा देते हैं। पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो खानदान की बदनामी हो जाएगी, और वो भी आज शाम तक अगर हमने नहीं ढूंढा तो लात मार के हमें घर से निकाल देंगे। ये भी कोई नौकरी है यार? छी, इस काम से अच्छा है किसी बीच में जाकर हम लोग उधर देख। कौन है भांजे? हेलो, क्या मृदुला कौन? तुम उसके मंगेतर हो या नहीं बताओ? हाँ हूँ। तेरी मंगेतर के साथ मैं अभी सुहागरात मनाने वाला हूँ। कौन है तू? क्या हुआ भांजे? अगर तू मर दे तो वही रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। तू जल्दी से पुरानी मार्केट में आ जा, मैं वहीं वेट कर रहा हूँ, चल आ जा। कौन है भांजे? हेलो, ये तो अपने मालिक के घर में रिश्ते की बात करने आया था। हाँ ये वही आदमी है, मालिक ने इसको भगा दिया था इसीलिए इसे लड़की को किडनैप कर लिया होगा। करेक्ट, साइलेंटली फॉलो करो इसे। ओके ब्रो। अबे चिल्लाने को मना किया है मैंने बेवकूफ, चल उसे फॉलो करते हैं। मालिक, बच्ची के बारे में कुछ पता चला क्या? अगले 2 मिनट में मैं आपको खुशखबरी दूंगा। हाँ मालिक, हाँ मालिक। ए बेवकूफ, चिल्ला मत। चिल्लाऊंगा ना। हेलो, कौन है? कौन है? हेलो, हे कौन है तू? शादी के बाद असल में मुझे 3 बच्चे चाहिए, लेकिन मेरे 3 बच्चे मैं जिससे प्यार करती हूँ ना कमलेश, उसके जैसे होने चाहिए। जब ये विदेश पढ़ने गया था तब वहाँ एक लड़की को गर्भवती बना दी। मैंने तेरा अपहरण किया है। इसकी वजह जानना चाहती है? माँ, कौन हो तुम लोग? हम आपके छोटे भाई 5 पांडव हैं। मैं कौन हूँ? हमारे बड़े भाई हो। ये कौन है? ये हमारे घर का पहला वारिस है। वारिस नहीं है, नालायक वारिस है। हमने इसे विदेश भेजा था ना, सोचा था कुछ अच्छा करेगा, जिंदगी में आगे बढ़ेगा, लेकिन देखो ये तो बिगड़ गया। बात सुनकर आप पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। ये हमारे बड़े भाई है और तुमने हमारे बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाया? अब इसे लड़की कौन देगा? उम्मा। मुझे हाथ दूध लगाना है तुझे। तूने अपने प्यार को बचाने के लिए मेरी लाइफ खराब कर दी। तूने अपने मंगेतर को हीरो बनाने के चक्कर में मुझे जीरो बना दिया। तेरी बातों पर विश्वास करके आज तक मेरी शादी नहीं हो पाई। मैं तो वापस विदेश चला जाना चाहता था, लेकिन मेरे बाप ने मेरा पासपोर्ट चला दिया। मैं साइको हो गया। इस दुनिया में अपने आप को साइको बोलने वाला मैं पहला इंसान हूँ।
क्या बोला था तूने? उससे तीन बच्चा पैदा करके वो बच्चे मुझे बाप बुलाएंगे? नो तू मेरे बच्चे पैदा करेगी और मैं उन बच्चों का बाप बनूंगा। कैसा है मेरा रिवेंज? अभी तू मेरे कंट्रोल में है, तेरा मंगेतर आ रहा है। बच्चे पालने के लिए पैसा नहीं चाहिए क्या? इसलिए तुम लोगों ने जो 1 करोड़ रुपए जमा किए थे उसे मैंने अपने आदमियों के जरिए हासिल कर लिया। अभी थोड़ी देर में ड्रामा स्टार्ट। प्रे। ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? चिंतामणि, यहाँ कोई पानी भी नहीं दे रहा है। भाई जरा पानी दो ना। इस तरह से क्यों घूर रहा है ये? पांडे, धोखेबाज कहीं का। कितना काम दिया था मैंने तुम्हें? तेरे भरोसे मैंने लोगों को कह दिया था कि पैसा आने वाला है। अब वो पैसे मांगेंगे तो मैं क्या करूंगा? मेरा बहुत पुराना दोस्त है वो, अभी वो साइको बन गया। पांडे, पांडे, श्रद्धांजलि पोस्टर चिपका कर पैसा हजम कर लेगा तो तुझे छोड़ दूंगा क्या? उठा लिया ना अभी पैसा, कहाँ? बोल, बोला? बोल, अरे मालिक, मालिक मुझे बचाइए, बचाइए मालिक। मुझे पता था रे, तेरे पास इतना दिमाग नहीं कि तू ये काम कर सके। हाँ पांडे, तुझे आइडिया देने वाला यही है ना? यही तेरा नया बॉस है क्या? मेरा नाम बॉस नहीं, रामनाथ है। रामनाथ, भाई से काट के अचार बना देते हैं। ए, रुक रुक। ए, तो इस कुमार के पास स्केच बना कर देने वाला आदमी है ना? भाई ये पुरानी बस्ती के कालू गैंग का बहुत बड़ा किला है, मैं जानता हूँ। ये मुंबई से है, धारावी से आके यहाँ शराब बेच रहे हैं। ए रुक जाओ, ताई ये मलिंगा फंसा। मुझे पता चल गया पैसा कहाँ है। पता चल गया क्या भाई, पैसे कहाँ है? हाँ हाँ, मजाक उड़ा रहा है? देखना चाहता है ना कि मैं तुझसे पैसे कैसे वसूल करता हूँ? चिंतामणि, तू कैसे पलट गया रे? तूने मेरे पैसे को मैंने ही लिया है बोल रहा है, उनको बोल कि वो मेरा पैसा है। सुनो मालिक, बताएंगे तो वो हमें मारेंगे। ए, बताएगा तो नहीं मारेंगे, नहीं बताया तो चांद से मार देंगे। बोल पैसा कहाँ है? ए, नए बॉस के लिए चेयर लेकर आओ। रामना सर चेयर पर बैठिए। ए उठ, ऊपर बैठ। बैठ जाइए मालिक, नहीं तो ये मारेंगे। ए, तुम लोग पकड़ो इसे। पांडे, इनको इसकी आदत नहीं है। बस 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 करो, अब बोलेगा। बोल रहे? ए, ए, बोलना। लगता है भाई चढ़ गई इसे। मैं, तू, मैं, तू, मैं, तू, मैं। ए, गाना मत गा, बोल। माँ बाप की बनाई हुई बाबा, मामा मामी की बनाई चटनी। क्या गाना है? तुसु क्या कमाल है स्वादिष्ट, खाओ पियो और मजे करो। खाओ पियो मजे करो। कान के नीचे लगाऊं क्या? मैंने सोचा था पीने के बाद ये सच बोलेगा, लेकिन ये तो एंटरटेनमेंट करने लगा। ए, अगला राउंड शुरू कर। चल, पी, पी, और मिला। ए, 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 मरना मत बे, मरना मत बे, पैसे के बारे में बता कर मरना। माँ बाप की बनाई इडली, मामा मामी की चटनी। ये आवाज किसी मामा? भांजे, बेटा, वहां से आ रही है। भांजे ऊपर जिया जी है, चल। जिया जी, जिया जी हम आ रहे हैं। आप कहाँ हो पापा? लक्ष्मी, जिया जी आप कहाँ हैं? पापा, जिया जी, जीजा, माँ, जीजा जी, पापा, पापा, आप ठीक तो हैं? आराम से, संभल कर, जी जी, मुझे मत मारो, पापा, जी जी, मैं मर जाऊंगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, एक परिवार के लिए बाप बुनियाद होता है, अगर परिवार में बाप सही ना हो, तो वो परिवार
बीच रोड पे आ जाता है। मर्द है तो काम पे जाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कमाना चाहिए। काम करे और कमाए बिना घर में बैठने से मेरे परिवार की तरह लोग रास्ते पे आ जाएंगे। मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अगर हो गया तो बेटा बेटा नहीं पैदा करना चाहिए था, परिवार नहीं बढ़ाना चाहिए था। अब क्या करूं, मैं अपनी खुदगर्जी के लिए अपने बाप की कमाई इज्जत को बर्बाद कर दिया, उसकी जायदाद मिटा दी। पापा नहीं, पापा घोड़े पे लगा रहा हूँ, इसे मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। मैं जिंदा क्यों, मुझे किसी लोरी या ट्रेन के नीचे आके मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। जीजा जी, भगवान ने करने के बजाय जीजा जी कुछ नहीं होगा, बिठवा दिया। घबराइए मत, मैं जब पैदा हुआ तो बाप के सामने बेटे की हैसियत से हार गया। मैं अपने बेटे के लिए अच्छा बाप नहीं बन सका, मैं हार गया। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। Correct time for rape. Are you ready? Countdown starts. 3, 2, 1. जीजा जी, जीजा जी आपको कुछ नहीं होगा। अरे बाप रे, चिंता मनी भाग ले। अरे पुलिस, तू इधर क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। क्या हुआ भाई? मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता। देख मेरे पापा को, देख। बता, पैसे कहाँ रखे तूने? बताता है कि नहीं? बताता हूँ भाई। मैंने विजय पांडे को फोन करके कागजात वाले बैग को उठा लिया। बहुत खुशी हुई। अब जगह बताता हूँ, सुन ले। बोलो पांडे। सीतामणि जंक्शन 11:30 बजे। 11:30 बजे न्यू इंजी टी स्टॉल। न्यू कुंजी ठीक, न्यू इंजी टी स्टॉल। सॉरी पांडे जी, न्यू इंजी टी स्टॉल। पीली शर्ट में कूलिंग ग्लास में। दाहिने हाथ में सिगरेट। बाएं हाथ से पटेक्स में तीन बार मारेगा। तुम उसे बैग दे देना। न्यू इंजी टी स्टॉल। पीली शर्ट कूलिंग ग्लास। हाँ, मैंने देख लिया। ये पुतले जैसा क्यों कर रहा है? पीली शर्ट कूलिंग ग्लास।
सिर्फ 3 बार बेवकूफ। पांडे जी ने बताया नहीं, बाएं हाथ से पटैक्स में, बाएं हाथ से पटैक्स में, बाएं हाथ से पटैक्स में, ये है हाथ। बैग हो गया, आराम से काम हो गया। पैसे लाने भेजा था, खाली हाथ आ गया। अरे वारे ऊपर वाले, अरे छी, 10,000 रुपए। नमस्ते पांडे जी, ऑपरेशन सक्सेस। 10,000 कब दोगे? जूते से मारूंगा। तूने 11:30 बजे बैग उठाया, अभी 12 बज चुके हैं। वो बैग कहाँ है? पांडे जी, वो बैग तो मैंने दे दिया। किसको दिया? पीली शर्ट को, उसने पटेक्स में 3 बार मारा, मैंने उसे दे दिया। पीली शर्ट वाला बेवकूफ यहाँ खड़ा है। उस बैग में 1 करोड़ रुपए है, जानने के बाद तू उन पैसों को हजम करना चाहता है? 1 करोड़ रुपए? उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। पैसे हजम करके परोठा और मटन करी खा रहा है। अगर आधे घंटे में मुझे बैग नहीं मिला ना, तो तुम्हें और तुम्हारे आइडियाज देने वाले को जान से मार दूंगा। आइडियाज देने वाले? भाई हाथ में सिगरेट और दाया हाथ से 3 बार जिसने पटेक्स पर मारा, मैंने उसी को दे दिया भाई। ए टकलो, दाहिने हाथ में सिगरेट, बाएं हाथ में पटेक्स, इसे कैसे समझा? तुम लोगों को कैसे पता? मुझे क्यों मार रहा है? क्या बताओ, बताओ, बताते बताओ, क्या बताते 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 बताओ, क्या बताते? अरे आप और आपके पापा पैसे लेकर जब घर से निकले तो हमने बाइक से आपको फॉलो किया। हम लोग आपको बेवकूफ बनाकर वो पैसे लेना चाह रहे थे, लेकिन ये टकलू ड्राइवर आपको बेवकूफ बना के आपसे सारे पैसे लेके भाग गया। उसके बाद मैंने इसको लगातार फॉलो किया। ये बीच जंगल में किसी से फोन पर बात कर रहा था और मैंने चुपके से सुन लिया। हाँ सुन, स्पॉट का पता चल गया है। सीतामढ़ी जंक्शन, ठीक 11 बजे, न्यू इंजी टी स्टॉल। दाहिने हाथ में सिगरेट लेके बाएं हाथ से 3 बार पॉकेट पे मारना। किसके पॉकेट पे बे? अबे अपने पॉकेट पे गधे। पीली शर्ट पहनकर, कूलिंग ग्लास पहनकर, उसका आदमी 3 बार पॉकेट पे हाथ मारने ही वाला था कि तभी वहाँ सोमू पहुँच गया। शाहरुख खान की तरह एक सेल्फी हो जाए क्या सर प्लीज? बाएं हाथ से पटेक्स पर, और अब हो गया बैग हाथ में लॉक। टाइम भी हो गया है, परेशान कर दिया। वो पैसे कहाँ हैं? हमने अपने मालिक को दे दिया। अरे हमने अपने मालिक को दे दिया। ये क्या किया कमीनो? निकलो यहाँ से, निकलो। चिंतामणि तू भी भाग रहे? कमलेश, मुझे तेरे सामने खड़े होने में भी शर्म आ रही है, मुझे माफ कर दे। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है मामा। हाँ भांजे। पापा और मुर्दुला को अपने साथ घर लेकर जाओ। लेकिन भांजे तू? जाओ मामा। कमलेश चलिए आइए। ये पैसे यहाँ कैसे आए? ये पाप आपने किया है ना? ऐसी हरकतें करके आखिर आप क्या हासिल करना चाहते हैं बताइए मुझे। ये सब नहीं चाहिए हमें। अपनी बेटी से ज्यादा आपको इन पैसों से प्यार है? अरे कैसे बाप हैं आप? पैसों के लिए और कितना गिरेंगे आप? आपको पति कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। तुम्हें अपनी बीबी कहते हुए मुझे शर्म आती है? क्या वो मेरा समधी बनेगा और वो आवारा मेरा दामाद बनेगा? बहुत घटिया बात कर रही है तू, सबको मार डालूंगा। भाई साहब, भाई साहब, आराम से संभल कर आइए। क्या भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया? अगर ये पैसा नहीं मिलता तो जैसा कि मेरे बेटे ने जबान दिया था, हम सबको फांसी पे लटकना पड़ता, हमारा पूरा वंश मिट जाता। आपका भी हमारे घर से रिश्ता है ना? मेरी परवरिश ऐसी हुई है कि मैं रिश्तों को समझ नहीं पाता, मैं अपने बेटे को ठीक से नहीं पाल पाया। भाई साहब, अगर मैं आपके समधी बनने के लायक नहीं हूँ तो मर जाऊँ क्या? मर जाऊँ क्या? मर जाऊँ क्या? मेरे बेटे की खुशी मेरे लिए सब कुछ है। मैं तुम्हें इसे रोते नहीं देख सकती बेटा, इससे पहले मैं मर जाऊंगी। दादी, ये सब देखने के लिए भगवान ने मुझे जिंदा रखा है क्या? भगवान, ये सब देखने से पहले मुझे अपने पास बुला ले।
तुम खुश रहो बेटा, तुम खुश रहो। भाई साहब, इनकी बुद्धि कम है लेकिन इन्होंने कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाई, कभी किसी का बुरा नहीं। रोना बंद कीजिए, रोना इन्हें चाहिए। क्या कहा आपने? मेरे ससुर जी को समधी बोलने में आपको शर्म आती है और कमलेश को अपना दामाद बोलने में आपको शर्म आती है? अब मेरी बात सुनिए, आपको पापा कहने में मुझे शर्म आती है। पैसा बंगला होने से सुख चैन नहीं मिलता है पापा, आज के बाद खुशियां आपसे बहुत दूर हो जाएंगी। चलो मैं चलते हैं। चलिए दादी, चलो बेटा, चलिए। ससुर जी, जब एक अच्छा खासा खुशहाल परिवार गरीबी की दौर से गुजरता है तो उन पर क्या बीतती है मैं जानता हूं। गरीब परिवार अचानक अमीर बन सकता है लेकिन अमीर इंसान जब गरीब होता है तो उसका वापस संभल पाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे पापा का जन्म इसी गांव में हुआ है और आपकी भी पैदाइश इसी गांव की है। आपने कहीं बाहर जाकर थोड़े पैसे कमा लिए और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हो, यही आपकी मेहनत है। आपकी तो बेचारी एक बेटी है, उसकी शादी अच्छे से हो जाए ये सोचना क्या गलत है? कोई गलत नहीं है ऐसा सोचना। एक बेटी की शादी करवा रहे हैं तो लड़का अच्छा होना चाहिए या फिर उसके घर वाले सही होने चाहिए। लेकिन वो छोड़िए ससुर जी, आज के बाद मेरे या मेरे परिवार की वजह से आपके परिवार के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। थोड़ी देर बाद मृदुला और सासू माँ आपके घर पे होंगी। प्लीज ससुर जी, दोबारा आप ये सब करने की कोशिश भी मत करना। पी लो बेटा। सासुमा चलिए, वैसे मेहमान बनकर कई दिनों तक आप यहां पर रह सकती हैं लेकिन आप ससुर जी को छोड़कर आई हैं। ए मृदुला, चलो तुम भी निकलो। नहीं, जाने के लिए बोल रहा हूं ना। भाई साहब, भाई साहब, पच्चीस साल पहले मामूली मजदूर था जब अपने ससुर से उनकी बेटी का हाथ मांगा था, तब आपने ही मेरा साथ दिया था। उन्होंने आप पर भरोसा करके बिना कोई सवाल किए अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी, लेकिन जब आपका बेटा और पुत्र मेरी चौखट पर मेरी बेटी का हाथ मांगने आए तो उन पर भरोसा नहीं किया। जब कोई लड़खड़ाता है तो उसे अपने संभालते, और मैंने इस परिवार के साथ धोखा किया। तब आपकी जगह कोई और होता तो मैं जेल में होता। भाई साहब, ना समझी में मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। बहुत बड़ा पाप हो गया है मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। भाई साहब,
ससुर जी। बेटा मेरी बेटी की खुशी के लिए इससे बेहतर परिवार मुझे और कहां मिलेगा? पापा, मैंने जो कुछ भी किया है उसे माफ करके कमलेश की शादी मेरी बेटी से करवा कर मुझे समधी बना लीजिए। ससुर जी, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, उड़िया ससुर जी, माफ कर दीजिए। पापा पर रोइए मत भाई साहब, वो भगवान हम सबका भला करेंगे। अंदर आइए, अंदर आइए समधी जी। पापा, भाई साहब, कमलेश जैसा हरि हुआ जो गलती करके ठोकर खाता है, तो मृदुला जैसी लड़की मिल जाएगी तो इस दुनिया में हर युवक की जीत होगी। ये फिल्म ठोकर खाने वाले पुरुषों को जो संभालती है उन महिलाओं को समर्पित है। आपका प्रिय रामनाथ।